एनर्जी में हो? यस सर। एनर्जी में हो? यस सर। सीखने के लिए? यस सर। चलिए दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी इंसान बैठे हैं 30 मिनट तक बैठे हैं, कुछ पल दिए, कुछ टाइम दिए, जरूर दोस्तों कुछ ना कुछ सीखने के लिए। सुन लो दोस्तों, इंसान तभी आगे बढ़ता है जब हम सीखते हैं। सुन मारे कि नहीं? यस सर। तभी दोस्तों आगे बढ़ता है जब हम सीखते हैं, उसको हम काम पे लागू करते हैं। समझे नहीं? yes, तो दोस्तों इतना दूर तक मैं आया हूँ दोस्तों आपको सिखाने के लिए, लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? yes, चलिए दोस्तों, सीखने से पहले आपको मेरा परिचय देके इस सेक्शन को शुरू करूंगा, ठीक है? yes, yes, नमस्कार। 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 सब बढ़िया है? yes, जबरदस्त है? yes, चलो मेरा परिचय जानना चाहते हो? yes, चलिए, मेरा नाम है दीपक और इसी राज्य अंतर्गत कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? चलिए दोस्तों, आज जो सेक्शन है, भाई ने आज जो सेक्शन चलने वाला है, उसी सेक्शन अगर आपको तेज दिल से अगर ले जाएंगे तो अपना जीवन में जरूर आप कामयाब बन सकते हैं। समझ गए ने? उसके बारे में हम सिखाने के लिए जिस सेक्शन का नाम है दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज। जिंदगी में कुछ अचीवमेंट करना है तो हमको क्या करना चाहिए? लगातार प्रयास करना चाहिए। समझ रहे? आपको बता अगर सफलता जो हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इसी बिजनेस में अगर काम करते हैं, तो हम किस तरह से जाएंगे तो हम इसी बिजनेस में कामयाबी बन सकते हैं। समझ रहा है? तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपके साथ में जितना भी समय बताऊंगा, जितना भी समय आपके साथ सिखाऊंगा, तो आप धीरज रख के बैठना चाहिए। समझ गए ना? yes, तो बोला जाता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या होता है? सीखना। सबसे मुश्किल वाला काम क्या होता है? बैठना। बैठना। समझ गए ना? yes, दोस्तों सबसे मुश्किल काम, दुनिया का जो भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है किसी को बात को बैठ के सुनना। समझ ने? yes, आप चाहेंगे तो दिन भर एक घंटा दो घंटा बैठ सकते, लेकिन दिन भर नहीं बैठ सकते। समझ ने? yes, दिन भर कितने भी काम कर सकते, लेकिन दिन भर नहीं बैठ सकते, वो तो सबके मुश्किल काम। समझ ने? yes, अगर दोस्तों जिंदगी में कुछ करना है तो पहले वही मुश्किल काम को आपको करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो? yes, कर सकते हो? yes, कई दोस्तों करीब से करीब एक घंटा आपके साथ बातचीत करूंगा, एक घंटा आपको सिखाऊंगा, तो उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा। समझ ने? yes, शुरुआत करो। yes, शुरुआत करो। yes, सेक्शन को शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा शायरी के माध्यम से सेक्शन शुरू कर, ठीक है? yes, सुनना चाहते हो? yes, सुनना चाहते हो? yes, हेलो। yes, सर। बिन बादल की बरसात नहीं होती, सूरज डूबे बिना कभी रात नहीं होती। wow. wow. बिन बादल की बरसात नहीं होती, सूरज डूबे बिना कभी रात नहीं होती, हमारा तो ऐसा आता था आपको गुड मॉर्निंग कहना और दिन का शुरुआत नहीं होती। शुरू करें? सेक्शन का नाम क्या है मेरे दोस्त? लो ऑफ एवरेज। लो ऑफ एवरेज यानी क्या होता है? रजत का व्यास यानी औसत का नियम। समझ रहे? yes, चलिए दोस्तों हम जानेंगे औसत का नाम नियम क्या, ठीक है? yes, चलिए, इस सफलता की राह में अगर एक इंसान सफल होना चाहते है तो हमको कितना पॉइंट से गुजरना पड़ता है, कोई बता पाएंगे? चिल्ला बताइए। बड़ा सोच लोगे तो प्रयास ऑप्शन बी, बड़ा सोच लगातार प्रयास लेवरेज इनकम ऑप्शन बी सर्स और कोई बता सकते हैं? सांझी बताइए। बड़ा सोच प्रबल चा लेवरेज इनकम ऑप्शन बी सर्स लगातार प्रयास आगे चलिए तालियां। चलिए, अगर कोई भी इंसान कामयाबी बनना चाहते हैं तो इस 7 पॉइंट से आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है? yes, पहला पॉइंट क्या आता है दोस्त, मेरे दोस्त? yes, क्या आता है? yes,
हो जाता है अपना सोच, क्या होता है सोच इंग्लिश में थॉट, क्या होता है सोच। दोस्तों जिसको बोलते हैं सोच, इस सोच सोच हम किसको कहते हैं कोई बता पाएंगे? सोच, सोच क्या होता है दीदी आप बताइए? चलिए सोच एक ऐसा चीज है मेरे दोस्त, कुछ भी काम है खेल करो पहले अपना दिमाग में जो घटित होता है समझे ने, अपना मन में जो घटित होता है उसी को हम सोच बोलते हैं। क्या होता है उसी को हम सोच कहते हैं समझे ने। बोलता हूँ दम मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड इज द थॉट, यानी दोस्तों दुनिया का सबसे पावरफुल है अपना सोच होता है। क्या होता है सोच होता है मेरे दोस्त ओके ने। अगर दोस्तों अपना सोच में जो घटित होता है अपने लाइफ में वो घटित होता है मेरे दोस्त ओके ने। और जो सोच में नहीं आता है वो एक्सीडेंट होता है, जो अपना घटित होता है एक्सीडेंट चमत्कार होता है कि नहीं। जैसे कि आपको बता रहे थे अगर आपको रास्ते में जाते आपका एक्सीडेंट हो गया है कि नहीं, क्या आप सोचे थे कि आपका एक्सीडेंट होगा बोल के? नहीं, आपका दोस्तों नहीं सोचे मेरा एक्सीडेंट होगा बोल, लेकिन आप बाइक में अगर जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं। तो आपका एक्सीडेंट तो आप मन में नहीं सोचते और घटित हो जाता है ये सर ना। और चमत्कार दोस्तों, चमत्कार एक ऐसा चीज है दोस्तों, अगर रास्ते में जाते आपको खजाना मिल गया, आपको पैसा मिल गया, आप नहीं सोचे आपको पैसा मिल गया बोल के है कि नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? आपने सोच, यानी दोस्तों सोच एक ऐसा चीज है मेरे दोस्त ने, अगर अपना दिमाग अगर सोच अगर बैठा लेंगे तो ऐसा भी होगा दोस्तों आप अपने जो सपना दिखे सपना को भी आप फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं। तो इस सोच की वजह से जो इंसान दोस्तों चाय बेचा जिसको बोलते नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी ये सुन, वो इंसान दोस्तों चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री से बन सकता है, क्यों दोस्तों अपना सोच में घटित करता है छोटा सा स्टोरी के माध्यम से आपका समझाऊंगा सोच क्या होता है। क्या होता है एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से आपका समझाऊंगा सोच क्या होता है ठीक है। अगर सोच दोस्तों बोलते हैं इसका टू टाइप है ऐसा ना, सोच कितना टाइप का होता है? टू टाइप। एक है बड़ा सोच, छोटा सोच, एक है छोटा सोच। देखिए बड़ा सोच एक छोटा सोच, आप समझो का बड़ा सोच क्या है छोटा सोच क्या है। दुनिया दोस्तों दुनिया में तो हर इंसान सोचते हैं दोस्त सुन लो, दुनिया में हर इंसान सोचते हैं, यानी तो हम समझे क्या बड़ा सोच क्या होता है छोटा सोच क्या होता है। चलो इसको एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा बड़ा सोच क्या होता है छोटा सोच क्या होता है ठीक है। चलो दोस्तों एक स्कूल था, एक राज्य में एक स्कूल था समझे ने। स्कूल में सब हर लड़का लड़की पढ़ाई करते थे ने? उसी तरह एक छोटा छोटा बच्चा बच्चे लोग पढ़ाई करते थे। तो एक दिन क्या अपना जो टीचर लोग होते हैं सुन ना, अपना जो टीचर लोग होते हैं दोस्तों उन लोगों का बीच में बातचीत हुआ कि हम इस दिसंबर महीना में जानते हो ठंड का मौसम होता है सुन ना, दिसंबर महीना में ठंड का मौसम आता है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों उनका पिकनिक आयोजन किया, क्या एक पिकनिक आयोजन किया सुन मा रहा है, एक पिकनिक का आयोजन किया। तो आयोजन करने के बाद दोस्तों हम लोग सोचे कि हम अपने बच्चा लोग को भी साथ, अपने स्टूडेंट लोग को भी साथ को लेके जाएंगे ठीक है। तब जब अपना बीच में प्लानिंग हुआ, डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बाद दोस्तों जब स्कूल जब खत्म होता है कि नहीं, स्कूल जब 4 बजे जब खत्म होता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अपना जो स्टूडेंट लोग होते हैं उसको ग्राउंड में बुलाया, क्या बोला ग्राउंड में बुलाने के बाद दोस्तों उनका बीच में क्या क्या बोल दिया, डिक्लेरेशन कर दिया हम कल जाएंगे पिकनिक पर जाएंगे ठीक है। कल हम पिकनिक पर जाएंगे ठीक है, तो आप लोग भी आ सकते हैं समझ गए। लेकिन दोस्तों उस बच्चा लोग के सामने एक कंडीशन रख दिया, क्या रख दिया उस बच्चा के सामने एक कंडीशन है। कंडीशन क्या रखा ना उसको जानते हैं दोस्तों, इस छोटा सा बच्चा में बहुत शरारती होते है कि नहीं, कहाँ जाते कुछ पता नहीं चलता है कि नहीं। उसी तरह दोस्तों कंडीशन रखा कि हम तो संभाल नहीं पाएंगे इस बच्चा लोग, अपना घर वालों के संभाल सकते है कि नहीं। उसी तरह दोस्तों उनको कंडीशन रख दिया कि जो जो इंसान अपना परिवार का एक एक लोग को लेके आएंगे वो इंसान पिकनिक में शामिल हो सकता है। Yes, sir. तो उसी तरह दोस्तों
सारे लोग गए, उसका बीच में दो डिग्री दोस्त थे, क्या डिग्री उसका जो छोटा छोटा बच्चा जो स्टूडेंट थे उनका बीच में दो डिग्री दोस्त थे, समझ गए नहीं? तो डिग्री दोस्त थे दोस्तों, उनका बीच में सब लोग घर पे चला गए। घर जाने के बाद दोस्तों एक बच्चा था अपने मम्मी में जाके बोल रहा है, समझ गए? अपना मम्मी को जाके बोल रहा है कि मम्मी मम्मी हम अपना स्कूल में एक पिकनिक का आयोजन किया है, अगर आप आएंगे तो अपना घर में एक हिस्सा लोग आएंगे तो हम पिकनिक पर जा सकते, नहीं तो ये जा सकते, समझ पा रहे? तो मम्मी ने बोल दिया कि नहीं बेटा, अगर मैं अगर घर पे नहीं रुकूंगा तो घर पे खाना कोई नहीं पका ले सकता, लेकिन घर पे काम करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तो मैं नहीं जा सकता, समझ गए? इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, समझ गए? तो एक काम कर, तू अपने पापा का जाके बोल, समझ गए? क्या बोला? अपने पापा का जाके बोल, समझ गए? और दोस्तों अपने पापा के पास दौड़ते हुए चला गया, ठीक है? Yes. अपना पापा के पास दौड़ते हुए चला गया, चला जाने वास्तव पापा को बोल रहे, पापा जी अपना स्कूल में एक पिकनिक का आयोजन किया है और आप आएंगे तो हम पिकनिक में जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते, क्योंकि चलो कंडीशन रखा है, ठीक है? yes. तो पापा ने भी डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं बेटा मैं नहीं जा सकता, अगर मैं एक दिन काम पर नहीं गया तो हमारा घर में खाना नहीं पकेगा, काम पर नहीं गया तो हमारे घर में खाना नहीं पकेगा, पैसा नहीं आएगा, हम परिवार कैसे चलेंगे, मैं नहीं जा सकता, ठीक है? ऐसा ऐसा बोलने के बाद तो बच्चा अपना कमरा में चला गया, चला गया जब बैठ के सोच रहे हैं घर में और कौन कौन है, समझने सोच रहे घर पे और कौन कौन है, ठीक है? अपना सोच में एक दिमाग आया कि हमारे घर में मेरा दादाजी है कि नहीं? दादाजी तो हर दिन बैठा रहता है, कुछ भी काम नहीं है, ठीक है? चलो हम उसको अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो वो भी मना कर दे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन उसके दादी के साथ दोस्तों उनके साथ गए, ठीक है? दादी के पास उनके पास गए, जाने के बाद दोस्तों अपना जो दादाजी को बोले कि दादाजी आप घर बैठे बैठे बोरिंग नहीं हो रहे, बोले आप घर बैठ के बोरिंग नहीं हो रहे? बोला हाँ जरूर बोरिंग हो रहा है, क्या करो, लेकिन बूढ़ा लोग नहीं जा सकता, लेकिन कहाँ पर भी घूमने नहीं जा सकता, ठीक है? तो उन बच्चा उसको दादाजी को बोल दिया हमारा स्कूल में एक पिकनिक का आयोजन क्या है, अगर आप चाहेंगे तो आप आ सकते, ऐसा दोस्तों प्लानिंग के साथ बोलते, ठीक है? दादाजी भी बहुत खुश होते, मेरा जो बच्चा है मुझे घुमाने के लिए ले जा रहा है, ऐसा बोलने का दोस्तों दादाजी भी तैयार हो गए, हम जाएंगे, ठीक है? लेकिन पहले में बोला था उनका एक डिग्री दोस्त है, लेकिन पहले मतलब उसका डिग्री दोस्त है, वो भी अपना डिग्री दोस्त को फोन करते हुए बोल दिया मेरे साथ मेरा दादाजी आ रहा है, ठीक है? वो भी अपना दादाजी को लेके चला, क्योंकि हम शरारती कर सकते है, लेकिन समझा रहे हैं? ऐसा बोलने के बाद दोस्तों अगले सब कुछ ठीक ठाक हुआ, अगले दिन हुआ, दिन होने के बाद दोस्तों अपना पिकनिक पर निकल गए, ठीक है? इसको साथ में लेके दादाजी को, समझ में आ रहा है? तो दादाजी को साथ में लेके चले गए स्कूल में, जब गए दोस्तों दिल्ली पर पार्लियामेंट में घूमने गए, ठीक है? दिल्ली टूर में दोस्तों पिकनिक जा रहे, जब दिल्ली घूमते घूमते दोस्तों देखे कि दिल्ली में एक पार्लियामेंट होता है, ठीक है? पार्लियामेंट क्या होता है, जिसमें बैठ कर प्रधानमंत्री शासन करता है, समझ रहे? तो उसी तरह दोस्तों घूमते घूमते दोस्तों चला गया पार्लियामेंट में, ठीक है? घूमते घूमते जब पार्लियामेंट में चला गया, चला जाने के बाद जब पार्लियामेंट घूम रहे थे, एक बच्चा था, वही बच्चा दादाजी को पूछा, बोला वही बच्चा दादाजी को पूछा कि दादाजी हम जहाँ पर घूम रहे हैं क्या होता है, ठीक है? तो छोटा बच्चे को पता नहीं होता पार्लियामेंट क्या होता है, ठीक है? तो दादाजी जब पूछा ये जो हम जो घूम रहे हैं क्या होता है, वो बोला कि पार्लियामेंट है, ठीक है? अरे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या होता है, और बोला कि इसमें बैठ कर प्रधानमंत्री शासन करता है, समझे? इसमें बैठ कर प्रधानमंत्री शासन करता है, जिसका बात सुनकर सारा इंडिया चलता है, समझे? इसका बात सारा इंडिया मानता है, समझे? सारा देश सारा भारत मानता है इसका बात, समझे? तो बोला कि ये बात है, ठीक है? तो वही जो बच्चा जो अपना दादाजी को बोल दिया दादाजी मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन बोले दादाजी मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, ठीक है? तो दादाजी बोला बच्चा अगर इसमें बैठना है तो कि नहीं, अगर प्रधानमंत्री बनना है तो पहले आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई करने के बाद आपको ज्यादा मेहनत ज्यादा पैसा कमाने के बाद आप राजनीति में जाना पड़ेगा, समझे? राजनीति में जाने के बाद मेहनत करने के बाद बहुत कोशिश करने के बाद जगह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कोई पढ़ाई करने वाला इंसान कोई है, देखिए आपका पापा मजदूरी करते है, तो पापा जी भी नहीं पढ़ाई करते, आपका दादाजी भी नहीं पढ़ा, तू कैसे कर सकता है? और हमारे घर में कोई ऐसा पैसा कमाने वाला लोग नहीं है, और हमारा घर में कोई राजनीति
घर वाले लड़के होंगे तो हम जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते, ऐसा सोच में उसका डाल दिया मेरे दोस्त, ऐसा सोच उस बच्चा के, उसका बच्चा के सोच में डाल दिया कि हम नहीं बन सकते, समझ ने? उसके बाद उस बच्चा का सोच में है कि फिट हो गया कि हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, दादाजी ने बोल दिया, ठीक है ना? लेकिन और एक बच्चा था मेरे दोस्त, समझ ने? और एक बच्चा था, वो भी सेम सिचुएशन के बारे में बता कि दादाजी ये कहाँ पर घूम रहे हो, बोले गए पार्लियामेंट होता है, तो ये भी पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट क्या होता है दादाजी, बोले पार्लियामेंट क्या होता है, वो भी सेम चीज बोला कि इसमें बैठ कर प्रधानमंत्री शासन करता है, जिसका बात सुनकर सारा इंडिया मानता है, सारा इंडिया चलता है, समझ रहे? ऐसा सुनकर दोस्तों वही जो बच्चा भी वही भी बोला दादाजी मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं भी दोस्तों प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन उसका दादाजी एक बात बोला दोस्तों, क्या सुनना चाहते हो? तो वही दादाजी एक बात बोला कि बेटा अगर तू चाहेगा तू बन सकता है, बेटा तू चाहेगा तू बन सकता है, लेकिन इसमें जाने के लिए पहले आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई, पहले आपको पढ़ाई करना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ाई करने के बाद पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाने के बाद आप राजनीति में जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल के साथ बहुत सिचुएशन को फेस करके जाकर तू प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन हमारा घर का बात बताओ तो हमारे घर में इतना कोई पढ़ाई करने वाले लोग नहीं है, हमारे घर में कोई राजनीति में नहीं गए, हमारे घर में कोई पैसा कमाने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप भी जा सकते हैं, समझ ने? उसी तरह दोस्तों उस दादाजी को बात को सुनकर दोस्तों वो अच्छा सा पढ़ाई किया, समझ ने? वो अच्छा से पढ़ाई किया दोस्तों, राजनीति में गया, बहुत कोशिश करने के बाद आज का डेट में दोस्तों प्रधानमंत्री बन चुका है मेरे दोस्त, समझ ने? तो मैं किसी का बात नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ नरेंद्र मोदी के बात बोल रहा हूँ, समझ ने? लेकिन था मेरे दोस्त, वो भी एक स्टेशन में चाय बेच रहा था, समझ ने? था मेरे दोस्त, वो भी एक स्टेशन में चाय बेच रहा था, लेकिन सोच में था मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा, समझ ने? सोच में था मेरे दोस्त उसका, एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसका सोच के बदलो आज का डेट में प्रधानमंत्री बन गया है दोस्तों, मिस्टर सचिन तेंदुलकर जो इंसान 10th क्लास में फेल हो गया आदमी, जो इंसान 10th क्लास में फेल हो गया आदमी, वो भी अपना सोच में डरा था मैं क्रिकेटर बनूंगा, समझने? मैं भी क्रिकेटर बन सकता हूँ दोस्तों, समझने? वो इंसान 10th क्लास में फेल हो गया आदमी भी दोस्तों क्रिकेट खेल सकता है, क्रिकेट खेलते आजकल में क्रिकेट का भगवान कहलाता है दोस्तों, है कि नहीं? क्रिकेट का भगवान कहलाता है, और जो इंसान 10th क्लास में फेल हो गया आदमी आजकल 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर उसका नाम से आता है, वही अपना दोस्तों सोच की बदलो दोस्तों, क्या होता है? सोच की बदलो, जो इंसान दोस्तों अपना बड़ा सोच किया, क्या क्या बड़ा सोच किया दोस्तों अपना जिंदगी में कुछ बड़ा ही करता है दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ दोस्तों सोच के साथ चीजें मतलब दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पावरफुल जो है अपना थॉट, अपना सोच, अगर सोच में अगर ठान लेंगे, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो आप भी दोस्तों जरूर हासिल कर सकते हैं दोस्तों, अपना सोच को बड़ा रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा? अपना सोच को बड़ा रखना पड़ेगा, समझ गए? अभी सभी सपना का पूरा कर सकते हैं, समझ गए? दोस्तों आप देखिए दोस्तों ताजमहल पहले दोस्तों आगरा में नहीं बना था, ताजमहल पहले दोस्तों आगरा में नहीं बना था, किसी का सोच में बना था, क्या होता है? किसी का सोच में बना था दोस्तों, किसका सोच में बना था? शाहजहां के सोच में बना था कि मैं मुमताज के लिए ताजमहल बनाऊंगा, है कि नहीं? अपना प्यार, है कि नहीं? अपना प्यार जो अपना मुमताज के लिए मैं ताजमहल बनाऊंगा, अपना सोच में घटित हुआ, उसके बाद जाके आगरा में हो गया दोस्तों, है कि नहीं? दोस्तों सोच होगी ना, तो अपना सोच को भी बड़ा रखना पड़ेगा, आपका सोच बड़ा है, आपका सोच बड़ा है, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करें, आज आप उठिए, आज से 5 साल के बाद कितना कमाना चाहते हैं? क्या 1 करोड़ कमाना चाहते हैं? दीदी आप उठिए, आज से 5 साल के बाद आज कितना कमाना चाहते हैं? 1 करोड़ है, लहिका सोच बड़ा है दोस्तों, है कि नहीं? कुछ बड़ा कुछ करने का बड़ा अच्छा सोच पहले चाहिए दोस्तों, है कि नहीं? सुना रहे ना? तो इसलिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा? पहले बड़ा सोच, बड़ा सोच क्या है? बड़ा सोच, बड़ा सोच,
कुछ भी हासिल करना है दोस्तों जिंदगी में कुछ बड़ा सोच करना पड़ेगा, छोटा सोच नहीं। समझ आ रहा है? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। बोरिंग लग रहा है? नो सर। कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए दूसरा पॉइंट क्या था हमारे दोस्तों? क्या था? इच्छा। क्या है इच्छा? इच्छा क्या होता है कोई बता पाएगी? इच्छा इच्छा क्या होता है सर जी बताइए? कोई भी चीज या वस्तु को पाने के लिए हमारा जो मंत्र है उसको हम इच्छा कहते हैं। उसका हम इच्छा इच्छा कहते हैं। कोई बता पाएगी इधर से? तुझे बताइए। कोई भी चीज या वस्तु को पाने के लिए हम चिंता लगा देते हैं, आखिर में जो पा लेते हैं उसी को हम इच्छा कहते हैं। उसका हम इच्छा कहते हैं। कोई बता पाएंगे? सर जी बताइए। कोई चीज या वस्तु को पाने के लिए विज्ञान करते हैं। बता देंगे अच्छा तरीके से सर जी बताइए। कोने में कोई भी चीज या वस्तु पाने के लिए हम मन का स्पर्शन किया फिर जाता ले आते हैं। दोस्तों इच्छा वो होता है जो कि एक चीज को देखते हम बस इच्छा कर लेते हैं। एक चीज को देखती हम बस इच्छा करते हैं, इसको पाने के लिए नहीं तरसते दोस्तों। मान लो आप मार्केट में गए, मान लो आप मार्केट में गए एक चीज को देखे बस पसंद आ गया है कि नहीं? ड्रेस को आप देखे उसको पसंद आ गया लेकिन पाने के लिए नहीं तरसते है कि नहीं? जिसको इच्छा मन लगता है दोस्तों ना समझी ने, जो मन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इच्छा कहते हैं समझी ने। लेकिन दोस्तों इच्छा भी ऐसा प्रकार वाला है दोस्तों, टू टाइप का होता है कि नहीं? यस सर। इच्छा होता है वो भी अपने टू टाइप है कि दोस्तों प्रबल इच्छा है क्या? कमजोर इच्छा। कमजोर इच्छा है एक है प्रबल इच्छा है क्या? कमजोर इच्छा। कमजोर इच्छा हम जानेंगे दोस्तों। अगर सफलता का पहला कदम क्या होता है दोस्तों? बड़ा सोच। बड़ा सोच अगर अपना कुछ बड़ा सोच रखे है दोस्तों, हम अगर बड़ा सोच रखे कुछ भी सोच यानी अपना जो सभी सपना है ये सुन ना, आपका जो सपना है किसका दोस्तों? सपना है घर बनाने का, किसका सपना है दोस्तों गाड़ी खरीदने का, किसका सपना है दोस्तों विदेश जाने का ये सुन ना, किसका सपना है दोस्तों फ्लाइट में घूमने का, इतना बड़ा बड़ा सपना है। जब सपना जब दोस्तों जब बड़ा सोच देखते है मेरे दोस्त, जो बड़ा सा सपना जो देखते हैं उसको पूरा करने के लिए हमको इच्छा भी चाहिए। क्या चाहिए? इच्छा। उसको पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए? इच्छा चाहिए। समझ आ रहा है? तो इच्छा तो हमको दोस्तों इच्छा तो होता है मेरे दोस्त सुन ना, इच्छा हर इंसान को होता है दोस्तों। आपको भी इच्छा होता है, आपको भी इच्छा होता है कि नहीं? इच्छा दोस्तों सबको होता है लेकिन इच्छा को दोस्तों प्रबल इच्छा बनाना पड़ेगा। क्या बनाएगा? प्रबल इच्छा को भी प्रबल इच्छा बनाना पड़ेगा समझ कि नहीं? तब मैं छोटा सा स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा प्रबल इच्छा क्या होता है ठीक है? आपको प्रबल इच्छा है हम देखते हैं प्रबल इच्छा क्या होता है ठीक है? चलो दोस्तों एक गांव था। क्या था? गांव। एक गांव था समझा कि नहीं? यस सर। एक गांव में दोस्तों दो जिगरी यार थे, जिगरी दोस्त थे, उन लोग एक विदेश में पढ़ाई करते थे। क्या पर? विदेश में पढ़ाई करते थे समझ कि नहीं? यस सर। जब विदेश में पढ़ाई करते थे हॉस्टल में लेके पढ़ाई करते है कि नहीं? यस सर। जब हॉस्टल में लेके पढ़ाई करते दोस्तों उनका एक रात में क्या दोस्तों बहुत जोर से झड़तूफान से बारिश हो रहा था। क्या हो रहा था? बारिश। बहुत बारिश हो रहा था। बारिश का मौसम ठंड का होता है कि नहीं? जब ठंड का मौसम है दोस्तों एक बच्चा को क्या है, वो जो दोनों जिगरी यार थे उनका एक बच्चा को एक फ्रेंड को क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? आलू का टिक्का खाने के लिए मन हुआ ठीक है? नहीं आलू का टिक्का खाने के लिए मन हुआ ठीक है? मन होने के बाद दोस्तों अपना जो फ्रेंड को बोलते हैं चलो हम आलू का टिक्का खाने के लिए जाएंगे नहीं तो उसको खाने के लिए मन हुआ। मन होने के बाद दोस्तों बारिश हो रहा था बहुत जोर तूफान से है कि नहीं? छतरी पकड़ के चला गए खाने के लिए ठीक है? उसका पास में एक दुकान था उसको खाने में चले गए। रात रात बज गया दोस्तों है कि नहीं? दस ग्यारह बज गए उसी टाइम उसको खाने के लिए मन हुआ है कि नहीं? ऐसा होने के बाद दोस्तों
जब छतरी पकड़ के चला गए तो पास में जो दुकान था वो बंद हो चुका, ठीक है? Yes, sir. जो पास में जो दुकान था वो बंद हो चुका था। बंद होने के बाद दोस्तों वो जो डिग्री आते वो बोलते नहीं और नहीं जा सकते, बारिश हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. बारिश होता है, थोड़ा छुपन हो रहा है, आप नहीं जा सकते है कि नहीं? Yes, sir. और एक फ्रेंड था, नहीं आगे चलते हैं, आगे और एक दुकान है, हम उसमें गए थे, हम खा के आएंगे है कि नहीं? वो बहुत चला गया है कि नहीं? Yes. आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते और एक दुकान पहुंचा दोस्तों, उसी दुकान में दोस्तों तो बंद हो गया, ठीक है? Yes, और उसका जो मालिक था वो चलते आ रहा, ठीक है? Yes, वो भी बंद हो गया था, ठीक है? Yes. उसके बाद दोस्तों वही और बच्चा था, ठीक है? नहीं मैं और नहीं जा सकता, ठीक है? Yes, बोला मैं और नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊंगा हॉस्टल में जाऊंगा सोऊंगा, ठीक है? Yes, लेकिन और एक का इच्छा था यार आलू का टीका खाने के लिए, है कि नहीं? Yes, उसका इच्छा था आलू का टीका खाना, जैसे 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 मुझे करना है, है कि नहीं? Yes, क्या जैसे जैसे मुझे खाना है, मुझे खाने का मन हुआ तो मैं खाऊंगा, सो ना? Yes, समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो दोस्तों इकला चला गया दोस्तों आगे, ठीक है? Yes. आगे चला गया और एक दुकान में गया, वही दुकान में दोस्तों बंद हो गया था, ठीक है? Yes, वो दुकान भी बंद हुआ था दोस्तों, फिर से वो दुकान छोड़ के और एक दुकान सारा टाउन घूम गया दोस्तों, है कि नहीं? Yes, ऐसा घूमते 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 दोस्तों उसको और एक दुकान मिला जो कि खुला हुआ था, ठीक है? Yes, लेकिन खुला हुआ था दोस्तों, लेकिन वो वहां पर आलू का टिक्का खत्म हो गया था, ठीक है? वहां पर आलू का टिक्का जब खत्म हो गया था दोस्तों, वो जो मालिक को बोला, जो दुकानदार को बोला है कि नहीं, मुझे आलू का टिक्का चाहिए, बोला खत्म हो गया है, ठीक है? बोला खत्म हो गया, मुझे बना के दो। क्या बोला? बना के दो, कि मुझे बना के दो, ठीक है? और बोला मैं नहीं बना सकता, ठीक है? उसको रिक्वेस्ट किया मुझे बना के दो, आलू का टिक्का मुझे खाना है, ठीक है? पांच की वजह से 10 रुपया दूंगा, ठीक है? पांच की वजह से मैं 10 रुपया लेकिन आलू का टिक्का खाना है मुझे, ठीक है? Yes, दोस्तों किसी के दुकानदार को अगर सुनेंगे 5 रुपए का इंसान 10 रुपए जाकर छोड़ेंगे? No, नहीं छोड़ते, है कि नहीं? Yes. लेकिन उस बच्चा का दोस्तों प्रबल इच्छा था मुझे खाना है, जैसे तैसे मुझे खाना है कि नहीं? Yes, तो दोस्तों गया बना के खाया, उसके बाद अपने दोस्त को भी लेके आया है कि नहीं? Yes, दोस्त के लिए भी लेके आया, उसको मैं दिया है कि नहीं? Yes. दोस्तों ये दोस्तों प्रबल इच्छा है दोस्तों, इतना जोर तूफान के बाद भी अपना आलू का टीका कभी छोड़ गया है कि नहीं? इतना जोर तूफान के बाद भी वो अपना आलू का टीका खाने के लिए चला गया, लेकिन अपना जो दोस्त था उनका दोस्त था उसका कमजोर इच्छा था यार, है कि नहीं? कमजोर चला, जिसका वजह से वो आलू का टिक्का भी जाकर नहीं खा पाया, है कि नहीं? लेकिन जो पहला जो फ्रेंड था, पहला जो दोस्त था, वो गया दोस्तों आलू का टिक्का खाया, जिसका वजह से प्रबल इच्छा बोलते है कि नहीं? उसी प्रकार से दोस्तों अगर जिंदगी में कुछ सोचे है, कुछ बड़ा सोचे है, उसको पाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? प्रबल इच्छा चाहिए। क्या चाहिए? उसको पाने के लिए दोस्तों प्रबल इच्छा चाहिए। क्या चाहिए? प्रबल इच्छा चाहिए दोस्तों। लेकिन आप जो सपना देखिए दोस्तों, उसी सपना को पूरा करेंगे तो आपको क्या चाहिए? प्रबल इच्छा। तो इसलिए हमको क्या चाहिए दोस्तों? जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन कोई कोई ऐसा भी इंसान होता है दोस्तों, एक बार दो बार दोस्तों नीचे चले जाते हैं, लेकिन ऊपर उठने के लिए उसको इच्छा नहीं होता है, मुंह लटका के बैठते हैं, जिसको बोलते कमजोर इच्छा। कमजोर इच्छा। अगर जिंदगी कुछ भी करना है दोस्तों, आपको पहले दोस्तों एक चीज को मानना पड़ेगा, जिसको बोलते प्रबल इच्छा होना चाहिए दोस्तों। चीज को पाने के लिए जिस जान लगा देता है दोस्तों, है कि नहीं? दुनिया भी एक बुलेट प्लेट होता है, लेकिन उसको पाना है मुझे, पाना है, लेकिन देखिए दोस्तों, जंगल का शेर और सर्कस का शेर देखो दोस्तों, जैसे ना जंगल का शेर और सर्कस का शेर देखो दोस्तों, जंगल जो शेर सर्कस का शेर होता है दोस्तों, अपना जो मालिक जो बोलता है वो करता है, अपना जो मालिक जो करता है कहता है वो करता है दोस्तों, है कि नहीं? मालिक बोलता है नाच तो नाचता है, मालिक बोलता है कूद तो कूदता है, कि नहीं? उसका मुंह में जाकर हाथ भी घुसा वो कुछ नहीं करता है दोस्तों, है कि नहीं? जो मालिक उसको नहीं सिखाया है, क्या है? मालिक उसको नहीं सिखाया मेरे दोस्त, है कि नहीं? लेकिन जंगल का शेर को जाके देख लो दोस्तों, अगर वो चाहेंगे तो सारा जंगल का राजा कहलाता है कि नहीं? चाहेंगे तो जाते हैं दोस्तों, सारे लोग उठा के जाता है कि नहीं? जब जाता है दोस्तों सारा लोग भाग जाते हैं, लेकिन सरकार से सरकार कोई भी कुछ नहीं करता है कि नहीं? दोस्तों वही होता है दोस्तों, जो बड़ा सोच रखते है ना दोस्तों, तो कि नहीं? बड़ा जो सोच रखते है ना दोस्तों, इस सोच के हिसाब से दोस्तों जंगल का शेर जैसा है दोस्तों, उसकी तरह बनो दोस्तों सरकार का शेर में, जो बड़ा सोच जो रखते है प्रबल इच्छा रखते है, अगर उसका प्रबल इच्छा भी आप रखे
आपका जो बड़ा सपना है, बड़ा सा गाड़ी खरीदना है, बड़ा सा घर बनाना है, विदेश टूर जाना है, ये सारे कुछ सपना है। अगर ये सारे तो सपना को फुलफिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इनकम, जिसको बोलते इनकम करना पड़ेगा, है कि नहीं? Yes sir। इनकम तो करेंगे दोस्तों, लेकिन इनकम भी टू टाइप का होता है, ये सुनो। जिसको होते हैं लेवरेज इनकम, और लिनियर इनकम। क्या है? लेवरेज इनकम और लिनियर इनकम। चलिए कम लेवरेज इनकम होता है, और विदेश में लिनियर इनकम बोल सकते हैं, बताइए। जो इंसान खुद का टाइम और टैलेंट को किसी दूसरे को बेच कर तो महीने में सीमित रूप से पैसा इनकम करता है, उसका लिनियर इनकम होता है। लेवरेज इनकम हम उसी को कहते हैं जो इंसान अपना टाइम को अलग दूसरे के पास ना बेच कर किसी के साथ अपना टाइम को मल्टीप्लाई करता है, क्या करता है, किसके साथ अपना टाइम को मल्टीप्लाई करता है, उसके हम क्या बोलते हैं, लेवरेज इनकम कहते हैं, है कि नहीं? यस सर। और लिनियर इनकम उसी कहते हैं जो कि अपना टाइम को बेचकर क्या करते हैं, अपना टाइम को बेचकर सीमित रूप से पैसा इनकम करता है, किसके नीचे किसी गुलामी बनकर काम करते हैं, सीमित रूप से पैसा इनकम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिनियर इनकम कहते हैं। चलिए आपका कैलकुलेशन का स्टोर के माध्यम से समझाऊंगा इस लेवरेज इनकम क्या है, लिनियर इनकम क्या है। दोस्तों मैं बताऊंगा, दोस्तों दुनिया ने सेम चीज, जब भगवान होता है ना दोस्तों, भगवान ने सबको सेम चीज एक दिया होता है, टाइम। क्या होता है? टाइम। बोलते है समय बहुत बलवान होता है, ये सुनो। यस सर। समय बहुत बलवान होता है, ये सुनो। यस सर। दोस्तों चाहे मुकेश अंबानी के लिए भी एक दिन के लिए 24 घंटा होता है, एक नॉर्मल इंसान के लिए एक दिन के 24 घंटा है, रास्ते में जो भीख मांग के खा रहा है उसके लिए भी एक दिन के लिए 24 घंटा है, लेकिन इंसान के ऊपर डिपेंड है और इस टाइम को किस हिसाब से इस्तेमाल करता है, सुनो। yes, इंसान के ऊपर डिपेंड है टाइम को किस हिसाब से इस्तेमाल करता है, ठीक है। yes, आपको बताऊंगा लेवरेज इनकम क्या होता है, लिनियर इनकम क्या होता है, ठीक है। yes, चलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सुने है एक स्टोरी जिसको बोलते हैं राम और बदर्स, सुने है। yes, आपको इसको मदद बनता राम क्या होता है, बदर्स क्या होता है, ठीक है। yes, मल्टीप्लीकेशन का पावर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। yes, चलिए अच्छे से समझिएगा, ठीक है। yes, राम कौन है, बजाज कौन है, ठीक है। yes, इस बजाज एक लोग है, बजाज कंपनी जानते हैं ना। yes, उस कंपनी का मालिक के नाम से हम नहीं जानते हैं, हम बजाज को ही देख लेते हैं, ठीक है। yes, इस बजाज एक कंपनी का मालिक है जो कि बिजनेस करता है, क्या करता है, बिजनेस, जो कि बिजनेस करता है, ठीक है। yes, और राम इस जो कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति है, सुना रहा है, कौन है, बजाज एक मालिक है, उस राम इस बिजनेस में इस कंपनी में काम करने वाला है, वर्कर जिसको बोलते हैं नौकरी करता है, ठीक है। yes, हम फर्स्ट जानते हैं राम के बारे में, जानते हैं किसके बारे में, फर्स्ट हम राम के बारे में, राम क्या करता है, ठीक है। yes, इसलिए राम दोस्तों इस बजाज कंपनी में काम करता है, कहाँ पर, राम बजाज कंपनी पर काम करता है, ठीक है। yes, राम दोस्तों बजाज कंपनी पर काम करता है तो राम को कुछ तनख्वाह मिलता है, क्या करता है, राम को कुछ तनख्वाह मिलता है, मान लो और महीना का सैलरी 10,000 इनकम कर रहा है, कितना हजार, महीना का सैलरी उसका 10,000 है, ठीक है। महीने का सैलरी उसका 10,000 है, शनिवार है, तो महीने का सैलरी जो 10,000 है तो महीना में दोस्तों 30 दिन होता है, कितना दिन, 30 महीना में दोस्तों 30 दिन होता है, शनिवार है। yes, जब महीना में दोस्तों जब 30 दिन होता है, 30 दिन का अंदर एक महीना का अंदर दोस्तों
चार संडे आता है, कितना आता है चार संडे, महीने का तो चार संडे आता है, चार संडे उसका छुट्टी होता है, क्या होता है छुट्टी होता है, चार संडे उसका छुट्टी होता है, समझ में आ रहा है यस सर। जब चार संडे उसका छुट्टी होता है और एक पर्सनल छुट्टी लेता है कौन, समझ रहा है यस सर। राम एक दिन पर्सनल छुट्टी लेता है, एक महीना में एक दिन पर्सनल छुट्टी लेता है, दोस्तों एक महीना में वो पांच दिन छुट्टी लेता है, कितना दिन एक महीना में वो पांच दिन छुट्टी लेता है, ठीक है, यानी कि एक महीना में तीस दिन अगर पांच दिन छुट्टी लेता तो कितना दिन काम करता है 25 days, ठीक है ना, और दोस्तों 25 days काम करता है और कितना महीने का कमाता है 10,000, समझ आ रहा है महीना का 10,000 कमाते हैं, 25 दिन काम करके, महीना में 30 दिन के अंदर 25 दिन काम करके महीना को 10,000 रुपए कमाता है, समझ में आ रहा है yes, चलिए अगर महीना का अगर 10,000 कमाता है, हम जानते हैं वो एक दिन का इनकम कितना करता है, ठीक है yes, अभी हम जानेंगे उसका एक दिन का इनकम कितना होता है, ठीक है yes, आपको समझा होगा दोस्तों लीनियर इनकम क्या है, लेवरेज इनकम क्या है, ठीक है yes, चलिए 25 दिन काम करके महीना में 10,000 इनकम करता है, उसका एक दिन का इनकम हमको निकालना है, हमको क्या करना पड़ेगा ना, उसका महीने का सैलरी डिवाइडेड महीने में कितना दिन काम करता है, समझ में आ रहा है yes, उसका महीने का सैलरी कितना है 400, महीने का सैलरी कितना है 10,000, समझ गए yes, और महीने में कितना दिन काम करता है 25 दिन, है कि नहीं, 2500 कट गया है कि नहीं, एक दिन में 400 रुपया इनकम करता है, कितना रुपया पर डे का इनकम 400 रुपया इनकम करता है, समझ आ रहा है पर डे का इनकम कितना रुपया इनकम करता है 400 रुपया इनकम करता है, एक बात बताओ दोस्तों पर डे का इनकम 400 इनकम करता है, ठीक है पर डे में कितना घंटा होता है 24 घंटा है मेरे दोस्त, ठीक है, एक दिन में दोस्तों 24 घंटा होता है, 24 घंटा के अंदर क्या एक इंसान के 24 घंटे काम कर सकता है, उसका कुछ टाइम लिमिट्स होता है कि नहीं, कुछ टाइम लिमिट्स होता है कि नहीं, मान लो इस राम एक दिन में 8 घंटा काम करता है, कितना घंटा 8 घंटा, मान लो इस राम एक दिन में 8 घंटा काम करता है, समझ में आ रहा है कितना घंटा काम करता है 8 घंटा, एक दिन में 8 घंटा काम करता है और एक दिन का प्रति 400 रुपए इनकम करता है, समझ आ रहा है, अभी जब मैं उसका एक घंटा का इनकम, ठीक है yes. उसका एक घंटा का इनकम निकालना है, तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका महीने का सैलरी महीने का इनकम डिवाइडेड बाय महीने में कितना है, एक दिन का इनकम डिवाइडेड बाय एक दिन में कितना घंटा काम करता है, समझ गए ना yes. उसका एक दिन का इनकम कितना है 400 रुपया, समझ गए ना yes. और एक दिन में कितना घंटा काम करता है 8 घंटा, यानी तो 50 हो जाता है कि नहीं, 50 40 यानी 50 रुपया एक घंटा का प्रति इनकम करता है, कितना रुपया 50 रुपया एक घंटा का प्रति इनकम करता है, समझ गए ना yes. एक बात बता दोस्तों, एक दिन एक महीना में 25 दिन काम करके महीने में 10,000 रुपए इनकम करता है और एक दिन में 8 घंटा काम करके दिन के लिए 400 रुपए इनकम करता है और एक घंटा का प्रति 50 रुपए इनकम करता है, एक बात बताओ, और राम का अगर फैमिली 10,000 रुपए से हो जाएगा no, हो जाएगा no, तो सेटिस्फाइड जिंदगी बच पाएगा no, तो सेटिस्फाइड जिंदगी बच नहीं पाएगा दोस्तों, लेकिन yes, उसको अगर 10 रुपया 10,000 से उसका नहीं हो रहा है, उसको इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसका इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है yes, अगर उसका इनकम को बढ़ाना है तो उसको ओटी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ओटी, यानी दोस्तों ओवर टाइम ड्यूटी करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है yes, अगर दोस्तों उसको ओटी करना है तो बजट के पास जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे 10,000 से नहीं, मुझे और तनख्वाह दो, है कि नहीं yes, क्या बोलगा मैं आपको और तनख्वाह दूंगा लेकिन और तो काम कर, है कि नहीं, इसको बोलते ओटी, इसका टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं yes, मान लो वो 8 घंटा काम से 4 घंटा ओटी किया, कितना घंटा 4 घंटा, 4 घंटा ओटी किया, समझ आ गई ना yes, अगर 4 घंटा ओटी किया मेरे दोस्त, 4 घंटा का ओटी से 8 घंटा से 4 घंटा बढ़ा दिया, कितना घंटा काम करेगा 12 घंटा काम करेगा, समझ में आ रहा है yes, अगर 12 घंटा काम करता है दोस्तों और एक दिन का प्रति 600 रुपया इनकम करेगा, ठीक है, एक दिन का 2500 600 रुपए इनकम करेगा, एक महीना में 20,000 15,000 रुपए इनकम करेगा, है कि नहीं, क्या लगता है 15,000 से हो जाएगा, अगर उसका बीबी भी बोलेगा ना मुझे 5,000 रुपए का साड़ी खरीदे दो और नहीं दे पाएगा क्योंकि और कुछ है दोस्तों, है कि नहीं, उसका बच्चा का ट्यूशन का फीस, उसका बच्चा का स्कूल का फीस होता है, लेकिन पर्सनल का खर्चा होता है, मम्मी पापा का मेडिसिन का खर्चा होता है, क्या लगता है 15,000 से उस राम का हो जाएगा जी, नहीं दोस्तों प्रधान 15,000 से उसका नहीं होता है, कि अगर दोस्तों राम ने बोला मुझे 15,000 से भी नहीं हो रहा है, मुझे और थोड़ा इनकम करना है,
उसको और ओटी करना पड़ेगा, है कि नहीं? उसको और बजट के पास जाके बोलना पड़ेगा कि बजट जी मुझे नहीं हो रहा है 15,000 से, मुझे और इनकम दो, ठीक है? बजट लगा तू और काम कर, और इनकम लेगा, है कि नहीं? और राम आया दोस्तों 12 घंटा से और 4 घंटा बढ़ा दिया, मान लो 4 घंटा बढ़ा दिया, कितना घंटा काम करेगा? 16 घंटा काम करेगा मेरे दोस्तों, है कि नहीं? कितना घंटा काम करेगा? 16 घंटा काम करेगा, और 16 घंटा के अंदर एक दिन में दोस्तों 800 रुपए इनकम करेगा, कितना दिन में? 800, एक दिन में 800 रुपए इनकम करेगा, एक महीना में 20,000 रुपए इनकम करेगा, क्या लगता है? 20,000 से हो जाएगा, हो जाएगा इंसान का, क्या लगता है? 20,000 अपना सभी सपना को पूरा कर सकता है एक महीना का तनखा, और चाहेगा तो गाड़ी भी खरीद नहीं पाता है, समझी नहीं? चाहेगा तो अपना एक गाड़ी भी खरीद नहीं पाएगा, है कि नहीं? क्या लगता, हो जाएगा? तो बोलो दोस्तों, राम अगर एक दिन में 24 घंटा के अंदर दोस्तों 16 घंटा खर्च होगा, क्या लगता है वो खर्च कर सकता है? दोस्तों एक इंसान को 8 घंटा काम का बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोस्तों राम 16 घंटा काम कर दिया इधर, है कि नहीं? क्या लगता है? और काम करेगा तो राम होगा, रहेगा राम का दोस्तों, राम का सत्य भी हो जाएगा, है कि नहीं? समझे नहीं? तो इधर राम का जिसको बोलते हैं लीनियर इनकम, जिसको होता है लीनियर इनकम, जो की महीना का छोटा पैसा कमाता है कि नहीं? जितना काम करता है उतना कमाता है, नहीं तो नहीं कमाता। अगर बोला तो राम अगर मर गया, क्या लगता है इनकम आएगा? आएगा नहीं आएगा, है कि नहीं? अगर बेड में जाकर सोएगा फिर भी नहीं, काम करेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये तो राम का जिंदगी, लेकिन बजाज क्या करता है मेरे दोस्त, कि राम के तेरा 200 लोग को रख के काम करता है। कितना लोग को? 200। राम के तेरा 200 लोग को रख के काम करता है, समझे नहीं? यस सर। ये 200 लोग के बीच में राम एक इंसान है, सुनो, इस 200 लोग के बीच में राम भी एक इंसान है, है कि नहीं? चलिए, इस 200 लोग के बीच में जो राम इंसान है, राम हम जानते हैं, राम महीने में कितना इनकम कर रहा था? 10,000 रुपए इनकम कर रहा था, है कि नहीं? मुझे कहो बताओ, अगर राम अगर महीने में 10,000 रुपए इनकम करता है, तो बजट के पास एक महीने 20,000 रुपए का काम करता है, डबल काम करता है दोस्तों बजट के पास, है कि नहीं? एक बात सोच लो दोस्तों, अगर आपका घर में भी काम करने के लिए आता है दोस्तों, एक दिन में कितना रुपया देते हो? 400-500 रुपया, है कि नहीं? मान लो दोस्तों 400 रुपया भी देते हो एक दिन में दोस्तों, आपका घर में आया 400 रुपया उसको देते हो, क्या लेते आपके घर में 400 रुपया काम करवाते हो उसको? आपको 400 रुपये का काम करवाते हो उसको, जरूर 800-1,000 रुपये का काम करवाते हो, तभी जाकर 400 रुपया लेते हैं, है कि नहीं? अगर आपको घर में आया 400 रुपये का काम किया, 400 रुपये का फल होगा, आपको 400 रुपये भेज देंगे उसको, तो 400 रुपये दे दिया, क्या लेते हैं आपके पास रुका कुछ नहीं, उसको डबल काम करवाते हो। उसी तरह अगर बजाज अगर राम को रखा है, तो राम अगर महीने में 10,000 रुपए कमाता है, तो जरूर दोस्तों बजाज के पास 20,000 रुपए का काम करता है दोस्तों, है कि नहीं? एक महीना में दोस्तों 20,000 रुपए का काम करता है, तभी जाकर 10,000 रुपए पाता है, तो बजाज के लिए एक महीने में 10,000 रुपए कमाता है, खुद के लिए एक दिन का 10 रुपए का कमाता है कि नहीं? एक दिन का पति अगर 400 रुपए कमाता है मेरे दोस्त, एक दिन में 800 रुपए का काम करता है, दिन में 400 रुपया कमाता है, तो एक दिन में 800 रुपए का काम करता है, एक दिन का पति बजाज के लिए 400 रुपया कमाता है, खुद के लिए 400 रुपए कमाता है कि नहीं? और एक दिन का पति 8 घंटा काम करता है कि नहीं? अगर 8 घंटा काम करता है, तो बजाज के लिए 4 घंटा काम करता है, खुद के लिए 4 घंटा काम करता है कि नहीं? और एक घंटा का पति अगर 50 रुपया कमाता है, तो एक घंटा का 1.5 घंटा का पति 100 रुपए का काम करता है दोस्तों, एक घंटा का पति 100 रुपए का काम करता है, और 50 रुपया बजाज के लिए, एक घंटा का पति 50 रुपया खुद के लिए काम करता है, समझे नहीं? लेकिन बजाज क्या कहना ना, इस्लाम के तरह कितना लोग को काम कर रहा है? 200 लोग को रख के काम कर रहा है, समझ पा रहा है कि नहीं? तो 200 लोग को रख के काम कर रहा है, 200 लोग बीच में कौन है? राम है। कौन है? राम है। राम है। अबे जानना है बजाज क्या करता है, ठीक है? चलिए, अगर बजाज के पास एक दिन 200 लोग काम करता है, तो बजाज के लिए एक दिन में कितना काम हो रहा है, ठीक है? हम जानते हैं दोस्तों, अगर बजाज को एक दिन में अगर एक लोग 4-4 घंटा देंगे, कितना घंटा? 4-4 घंटा। मैं बोला ना, एक लोग 8 घंटा काम करते हैं, खुद के लिए 4 घंटा और बजाज के लिए 4 घंटा, समझा कि नहीं? 200 लोग और बजाज को अगर 4-4 घंटा देंगे, तो एक दिन का इतना एक दिन में कितना घंटा काम हो गया? 800 घंटा का काम हो गया मेरे दोस्त, कितना घंटा? 800 घंटा। बजाज के पास एक दिन में 800 घंटा का काम हो गया, समझ आ रहा है? तो हम जानेंगे दोस्तों, एक दिन में तो 24 घंटा होता है, लेकिन बजाज के पास 800 घंटे का काम कैसे पॉसिबल हुआ?
कुछ टाइम को मल्टीप्लाई किए कुछ लोगों के साथ, अभी ने yes. कुछ लोगों के साथ टाइम को मल्टीप्लाई किया, जिसका बदलो जिस बजट के पास एक दिन में 800 घंटा का काम हो गया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अभी जाना है दोस्तों, इस बजट इनकम कैसे करता है, मल्टीप्लाई तो करता है, किस तरह से इनकम आता है, ठीक है yes. हम जानेंगे दोस्तों बजट का एक दिन का इनकम कितना आता है, ठीक है yes. हम जानेंगे बजट का एक दिन का इनकम कितना आ रहा है, ठीक है yes, इसलिए बजट का एक दिन का इनकम हमको जानना, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, बजट का एक दिन में कितना घंटा का काम हो रहा है इनटू बजट को एक लोग एक घंटा का मतलब कितना इनकम दे रहे हैं, है कि नहीं yes, तो बजट को दोस्तों एक दिन में कितना घंटा का काम हो रहा है, 800 घंटा का काम हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? इनटू बजट को एक घंटा का प्रति लोग कितना इनकम दे रहे हैं, 50 रुपया। कितना रुपया? 50। एक घंटा के प्रति 50 रुपया इनकम करता है, तो 100 रुपए का काम करते हैं, 50 रुपया खुद के लिए, 50 रुपया बजाज के लिए। समझ आ रहा है? तो 800 × 50 कर देंगे तो एक दिन का इनकम निकल जाएगा, एक दिन का इनकम निकल जाएगा, तो 8×5 = 40 दोस्तों, एक दिन का इनकम 40,000 रुपया इनकम करेगा। कितना इनकम? एक दिन का इनकम दोस्तों 40,000 रुपया इनकम करेगा। समझ रहा है कि नहीं? सोच लो दोस्तों, बजाज एक दिन का इनकम 40,000 रुपया इनकम करता है, लेकिन राम कितना इनकम करता है? 400 रुपया। उसका महीना का इनकम में तो निकालो, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, इस बजाज का एक दिन का इनकम इनटू बजाज के पास कितना दिन एक महीने में काम हो रहा है, ठीक है yes, कितना दिन काम हो रहा है एक महीने में? 25 डेज। सुन ना, बजाज का एक दिन का इनकम कितना है? 40,000 इंटू बजाज के पास एक महीने में कितना दिन काम हो रहा है? 25 दिन। एक दिन का एक महीना का इनकम निकल जाएगा 25 × 100। सुन ना, 4 जीरो बैठा दीजिए, 1, 2, 3, 4 कितना होगा? क्योंकि बजाज टाइम को मल्टीप्लाई के काम करता है, राम अकेला मेहनत करता है। बजाज के दोस्तों टाइम को मल्टीप्लाई करके काम करता है, राम अकेला काम करता है। मुझे अभी बताओ दोस्तों, अगर बजाज सेटिस्फाई जिंदगी बचेगा या राम सेटिस्फाई जिंदगी बचेगा? बजाज, क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लाई करता है, कुछ टीम लेके काम करता है दोस्तों, कुछ लोग को लेके काम करता है। समझे? अगर बजाज इधर मर भी गया, क्या लगता है इनकम आ गया या नहीं? दुनिया में छोड़कर चला जाएगा दोस्तों, बच्चा आएगा इनकम करेगा, क्योंकि दोस्तों एक बार वो टीम लेके काम करता है, उसका नीचे लोग काम करते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन का इनकम। समझ कि नहीं? और इसी को ही बोलते हैं लेवरेज इनकम। इसको क्या बोलते हैं? लेवरेज इनकम। समझ नहीं? और इसको बोलते क्या बोलते हैं? लीनियर इनकम। समझे? तो ये दोस्तों मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन बाबा होता है, लेवरेज इनकम होता है। तो आप बोलो, राम बनना चाहते हो या बजाज बनना चाहते हो? बजाज बनना चाहते हो? यस सर। तो दोस्तों मल्टीप्लीकेशन का एक छोटा सा स्टोरी बताऊं, तो मल्टीप्लीकेशन क्या है, ठीक है? यस सर। सुनना चाहोगे? यस सर। सुनना चाहोगे? यस सर। चलिए दोस्तों, एक क्या था दोस्तों, राज्य था। क्या था? राज्य। एक राज्य था, समझे? एक राज्य था दोस्तों, उसी राज्य में एक राजा शासन कर रहा था, ठीक है? जब राजा दोस्तों शासन कर रहा था दोस्तों, वो जब मंत्री जो होते थे, उसका जब मंत्री लोग होता है, उसका एक मंत्री के साथ उनके चेस खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? चेस। जानते हो ना? खेले है? कौन खेले है चेस? आप खेले चेस के बारे में जानते हो? चेस खेलते है कि नहीं? जब राजा जब चेस खेल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था चेस खेलने के लिए, ठीक है? चेस खेलने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, तो उस जो खेल खेलने के बाद उस खेल जो बहुत प्रसन्न हुए, आनंद हुए, है कि नहीं? आनंद होने के बाद दोस्तों जो मंत्री को बोलते हैं, इस गेम में कौन बनाया उसको बुलाओ, उसको इनाम देना चाहता हूँ, ठीक है? उसको बुलाओ, उसको इनाम देना चाहता हूँ। समझ गए कि नहीं? ऐसा बोलने के बाद दोस्तों मंत्री बोला, ठीक है हम ढूंढ के ला जाएंगे, ठीक है? दो दिन के बाद दोस्तों जो चेस बनाया था वो मालिक को लेकर उठा के चला, ठीक है? लेकिन वो एक बच्चा था। क्या था? बच्चा। एक बच्चा था, नॉर्मल हमारी तरह एक बच्चा, ठीक है? एक लड़का था, ठीक है? वो जो मंत्री के सामने लाया गया, वो बहुत गरीब इंसान था, ठीक है? गरीब था, तो लाया दोस्तों, आने के बाद दोस्तों जो राजा था
वो बोल दिया ठीक है आप जो मांगना चाहते हो मांग लो क्योंकि आपका जो खेल बना है आपको खेल से प्रसन्न हो आनंद हो ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको खेल को करने के लिए आप मांगो जो मांगना है मांग लो ठीक है वो बोला राजा जी मैं एक छोटा सा चीज मांगूंगा क्या बोला छोटा चीज मांगूंगा मेरे लिए छोटा होता है लेकिन आपके लिए बड़ा हो सकता है ठीक है और दोस्तों बोला जो जो आप जो चेस खेल रहे हैं चेस का बोर्ड दिखिए ना चेस का बोर्ड दिखे ना आपको जो चेस खेल रहे हैं चेस में तो एक होता है व्हाइट कलर की ब्लैक व्हाइट ब्लैक होता है जो ऐसा होता है दोस्तों कितना बकरा का होता है बता पाएंगे कितना बकरा का होता है चालीस में साठ कितना होता है साठ बकरा होता है कि नहीं तो बोला जो मेरा जो चेस का बोर्ड है उसमें एक घर में एक दाना लेके दूसरा घर में उसका डबल तीसरा घर में उसका डबल ऐसा रखना है ठीक है एक घर में एक सिक्का और दूसरा घर में उसका डबल सिक्का तीसरा घर में उसका डबल सिक्का ठीक है यानी दोस्तों आपको बता रहा हूँ जो ये चेस का बोर्ड है कि नहीं ये तो चेस का बोर्ड होता है मेरे दोस्त नहीं ऐसा होता है ना व्हाइट ब्लैक होता है ना और बोला इस घर में एक सिक्का रखिए ठीक है इस घर में इसका डबल सिक्का यानी इस घर में एक सिक्का रखा इस घर में डबल कितना होगा दो होगा तीसरा घर में कितना होगा चौथा घर में पांचवा घर में छठा घर में सोचो सात घर जाएंगे कितना कोई इनकम करता सोचो साठ साठ घर जाएगा उस डबल डबल करके मल्टीप्लाई कर कर करते करते कितना इनकम करता है सोचो मिलियन रुपया मिलियन बिलियन रुपया उस ज्यादा से ले आएगा दोस्तों मल्टीप्लीकेशन का पावर है समझे और क्या दोस्तों मल्टीप्लीकेशन का पावर समझे ने तो ये तो बोलते दुनिया में जो इंसान मल्टीप्लीकेशन करके काम करता है ना दोस्तों टाइम को दोस्तों अपने पास खुद के पास टाइम को मल्टीप्लाई करके काम करता है वो इंसान ही जिंदगी में कुछ बड़ा करता है दोस्तों जानते हो दुनिया का बहुत बड़ा रिच मैन इंडिया का रिच मैन मुकेश अंबानी और उसके अकेला काम करता है और दोस्तों कुछ टीम रख के काम करता है क्या रख के कुछ टीम रख के काम करता है समझे दोस्तों और टीम को मल्टीप्लाई करता है टाइम को मल्टीप्लाई करता है जिसका बदलो आज रहा एक घंटा प्रति मिलियन बिलियन रुपए इनकम करता है समझे किसके लिए टीम के लिए एक नेटवर्क के लिए समझे तो आपको भी बड़ा जो सोच रखे है मेरे दोस्त कोई बड़ा सोच को कुछ करना है हासिल करना है तो आपको प्रबल इच्छा बनाना पड़ेगा अगर प्रबल इच्छा बना है तो आपको इनकम दोस्तों लेवरेज इनकम का करना पड़ेगा ये सुनो अगर लेवरेज इनकम को करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा क्या नाम होगा नेटवर्क बनाना पड़ेगा समझ आ गया तो कोई बोलते हैं तो नेटवर्क के अंदर टीम बनाना है जैसे अपना नीचे लोग को रोक के काम करना किसी को भुला दे काम करना है कि नहीं बहुत खराब काम कर रहा है ऐसा बोलते हैं लोग दोस्तों समझे ऐसा बोलते है ना दोस्तों लोग बोलते हैं उसको पसना और पसंदने का काम करते हो नहीं दोस्तों बनना और बनाने का काम करते हैं दोस्तों बनना और बनाने का काम करता है जो इंसान बनना और बनाने का काम करता है दोस्तों वो इंसान जिंदगी में कुछ कामयाब भी बनता है जिस तरह बजट की तरह बनना चाहते हो तो आपको नेटवर्क को बनाना पड़ेगा क्या बनाना पड़ेगा नेटवर्क को बनाना पड़ेगा नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा अपना एक टीम बनाना पड़ेगा ठीक है सभी जगह बजाज की तरह बन सकता है आपका अगर बड़ा सोच है दोस्तों बड़ा सा सपना तो सपने को इच्छा कीजिए और लेवरेज इनकम करना है तो आपको दिक्कत परेशानी को सहना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा आपको दिक्कत परेशानी को सहना पड़ेगा समझे जानते हो दोस्तों एक पत्थर जब मूर्ति बनता है ठोकर खाने से ही मूर्ति बनता है नहीं तो नहीं बनता है समझे मूर्ति जब बनता है दोस्तों पत्थर का ठोकर खाने से ही मूर्ति बनता है नहीं तो नहीं बनता है समझे इसलिए आपको भी ठोकर खाना पड़ता है दोस्तों रिजेक्शन को सहना पड़ता है क्या करना पड़ेगा रिजेक्शन का आपको सहना पड़ेगा समझे रिजेक्शन यार बहुत लोग सोचते है दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ा ऑफलाइन दोस्तों शिवजी को किया जाता है किसको सबसे बड़ा ऑफलाइन शिवजी को कहा जाता है कि नहीं शिवजी इतना बड़ा रिजेक्शन को सहता है दोस्तों आप सोच नहीं पाएंगे वो कितना बड़ा रिजेक्शन सहता है ठीक है समझे नहीं आपको बता रहा हूँ शिवजी कितना बड़ा रिजेक्शन सहता है बताओ
शिव जी को दिखे है? Yes. आप दिखे है? दिखे शिव जी भगवान को दिखे फोटो में दिखे होंगे मतलब शिव जी जो होता है दोस्तों उसका जो सिर होता है क्या होता है सिर उसका जो सिर सिर है कि नहीं सिर में जो जट बंधा होता है कि नहीं सिर में जो जट बंधा होता है जट में गंगा माता रहते हैं क्या रहते हैं सिर में जो गंगा माता रहते हैं समझे गंगा माता जिसको बोलते हैं जल बोलते हैं क्या बोलते हैं गंगा माता जिसको बोलते हैं जल यानी उसका पानी होता है कि नहीं उसका और थोड़ा सा नीचे आ जाए ठीक है उसका और थोड़ा सा नीचे आ जाए उसका उसका होता है जो चंदा मामा है कि नहीं सुने का चंदा मामा दिखे शिव जी का सर में जो चंदा मामा होता है कि नहीं उसका अर्थ हो गया दोस्तों अमृत क्या है अमृत उसका अर्थ है दोस्तों अमृत सुंदर कि नहीं उसका और थोड़ा सा नीचे आ जाए दोस्तों उसका जो तीसरा आंख होता है कि नहीं तीसरा आंख होता है ना जो तीसरा आंख होता है उस तीसरा आंख से क्या निकलता है आग निकलता है क्या निकलता है आग निकलता है समझ गए ना उसका और थोड़ा सा नीचे आ जाओ मेरे दोस्त उसका जो गला का अंदर जहर रहता है जानते हो ना ये जो शिव जी का गला का अंदर जहर रहता है वो गला के ऊपर एक सांप रहता है सुनो उसका छोटा बच्चा का नाम क्या होता है उसका सब्जी जो शिव जी का छोटा बच्चा का नाम होता है गणेश जी उसका सबर होता है मूषक क्या होता है उसका छोटा बच्चा का नाम होता है मूषक ठीक है उसका बड़ा बेटा का नाम कार्तिक उसका सबर हो गया मयूर है कि नहीं और उसका सबर हो गया नंदी और उसका पत्नी का सबर हो गया शेर है कि नहीं वो कितना बड़ा रिजेक्शन से आपको अभी बता ठीक है जो आपका जो जट जट में जो गंगा माता जिसको होते जल रहता है कि नहीं और जोल और तीसरा आग से आग निकलता है दोस्तों कभी देखिए जोल और आग एक साथ रहे ना रहना देखिए अगर जोल अगर आग में फेंक देंगे तो आग बुझ जाएगा है कि नहीं वही तो दोस्तों जल दोस्तों आग के साथ नहीं मिलता फिर भी वो मिला के रखता है कि नहीं उसका और थोड़ा सा नीचा दोस्तों चंदा मामा जिसको होते अमरुद है कि नहीं और गला का अंदर दोस्तों विष रहता है क्या रहता है गला का अंदर तो विष रहता है जो गला का अंदर जो विष रहता है और अमृत एक साथ रहना कभी दिखे है कभी दिखे अमृत और जहर दिखे अगर जहर अमृत में एक टोपा मिस जाए ना दोस्तों वो सारा जहर हो जाता है कि नहीं जहर अमृत में एक बूंद भी गिर जाए वो जहर पलट जाता है लेकिन वो एक साथ रह के मिलता है दोस्तों ऐसा ना उसका और थोड़ा सा नीचे दोस्तों तो गला का ऊपर एक सांप रहता है कि नहीं गला का ऊपर एक सांप रहता है दोस्तों गणेश जी का सफर मुश्क होता है सांप मुश्क को खा लेता है फिर भी उठ लेता बैठता है इकट्ठा रखा है दोस्तों ऐसा ना बड़ा बेटे का दोस्तों कार्तिक जिसको होते सफर मयूर और मयूर और सांप मोर सांप को खा लेता है दोस्तों सर ना और दोस्तों सांप को खा लेता है फिर भी वो इकट्ठा बैठता है इकट्ठा रहता है कि नहीं और खुद का सवार याद है नंदी और अपना पति पत्नी का सवार है शेर है कि नहीं शेर नंदी को खा लेता है फिर भी वो इकट्ठा बैठता है सोचो दोस्तों इतना बड़ा रिजेक्शन का सहकर फिर भी वो इकट्ठा बैठकर शांति सुकून से रहता है कि नहीं इतना बड़ी चीज जो इम्पोसिबल चीज को भी पॉसिबल रख के बैठता है तो हमारे पास छोटा छोटा रिजेक्शन है दोस्तों सुन ना हमारे पास एक छोटा छोटा रिजेक्शन है रिजेक्शन का अगर नहीं सहेंगे क्या होगा वो जो बड़ा सोच रखी है क्या लगता है वो सपना पूरा कर सकते हैं पहले आपको रिजेक्शन से ना जिस तरह से एक पत्थर जब मूर्ति पलटता है पहले ठोकर खाता है जब वो मूर्ति पलटता है उसी तरीका से दोस्तों आपको भी पहले ठोकर खाना पड़ेगा समझे तो मूर्ति जब बनता है दोस्तों उसके बाद पूजा पाता है दिन भर रात भर जिंदगी भर पूजा पाता है कि नहीं आप भी किसी के सामने पूजा पाना चाहते हो पहले आपको तो ठोकर खाना पड़ेगा लोग तो बोलेंगे हजार बार ऐसा ना लोग तो बोलेंगे हजार बार तू नहीं कर सकता है तू यहाँ पर इनकम नहीं कर सकते यहाँ पर कामे भी नहीं बन सकता है दोस्तों कामे भी बनना दोस्तों इतना आसान नहीं होता है समझ नहीं कामे भी बनना इतना आसान नहीं होता है कामे भी बनने के लिए हमको मेहनत तो करना पड़ता है कि नहीं समझ नहीं आगे जाके बताऊंगा कम मेहनत क्या होता है सक्सेस क्या होता है ठीक है आगे चले लेवरेज इनकम मिनिमम इनकम क्या है क्या बड़ा सोच लिखे है आपका प्रबल इच्छा है लेवरेज इनकम करना चाहेंगे लेवरेज इनकम करना तो क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक
ठीक है yes. क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समझ आ रहा है yes, चले मल्टीप्लाई है कि नहीं yes. आगे चले yes, तो आप तो लेवरेज इनकम तो करेंगे दोस्तों अगर जिस जगह में एक लेवरेज इनकम रहा होना चाहिए एक रास्ता होना चाहिए एक इंडस्ट्री एक जगह होना चाहिए जिस जगह में हम लेवरेज इनकम करते हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं जो भी आप इंडस्ट्री का जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं जो भी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसमें क्या रखना पड़ेगा क्या रखना पड़ेगा ऑप्शन क्या है ऑप्शन क्या है ऑप्शन जिसको बोलते हैं बीकन ऐसा ना दोस्तों अगर एग्जाम में आप काम करते हो तो आपको पहले ऑप्शन ऑप्शन एक रखना पड़ेगा क्या रखना पड़ेगा ऑप्शन एक रखना पड़ेगा समझ गए ना चलिए ऑप्शन क्या होता है जो कि विकल्प होता है कि नहीं क्या होता है विकल्प होता है समझ गए ना जब दोस्तों ऑप्शन है एक तो मान लेते हैं दोस्तों एग्जाम में आप काम करते हैं क्या करते हैं काम करते दोस्तों अगर मैंने अलग जगह में काम करता ठीक है yes. अगर दोस्तों आप पुलिस का नौकरी करते हो मैंने डॉक्टर होना क्या करता है पुलिस का डॉक्टर नौकरी कर सकते हैं no. जानते हैं दोस्तों अगर एक जगह में गड्ढा खोलेंगे 100 फुट तक तो नहीं? Yes. अगर एक जगह में 100 फुट तक गड्ढा खोलेगा तो जरूर दोस्तों पानी निकलेगा दोस्तों yes, सुनो yes, एक जगह में तो गड्ढा खोलेगा 100 फुट तो जरूर दोस्तों पानी निकलेगा नहीं दोस्तों एक जगह में 10 फुट एक जगह में 10 फुट अगर 10 जगह में 10 फुट खोलेंगे क्या लगता है पानी निकलेगा पानी निकलेगा नहीं निकलेगा दोस्तों है कि नहीं एक जगह में खोदेंगे तो जब पानी निकलेगा नहीं तो उसी तरह जिंदगी भी अगर बनाना है ना दोस्तों एक जगह में गड्ढा खोलना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा एक जगह में गड्ढा खोलना पड़ेगा दोस्तों एक जगह में काम करते हो दोस्तों अगर पानी में आप जाते हैं ठीक है अगर दोस्तों पानी में आप जाते हैं पानी में जाते हैं दोस्तों दो नाव है कि नहीं जब दो नाव दोस्तों दो नाव में दो पैर लगा हो क्या लगता है किनारे तक पहुंच पाएंगे किनारे तक पहुंच पाएंगे किनारे तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों है कि नहीं बीच में डूब के मर जाएंगे है कि नहीं अगर दोस्तों हमको इस किनारे तक पहुंचना है तो एक नाव में जाएंगे तो जरूर दोस्तों पहुंच सकते हैं लेकिन लेकिन दो मान दो में पांव रखे क्या लगता है किनारे तक पहुंच पाएंगे जिसको बोलते हैं ऑप्शन क्या बोलते हैं ऑप्शन ऑप्शन इस जगह में एक ऑप्शन है इस जगह में एक ऑप्शन है कि नहीं दोनों दोनों पैर रख दिया जिसका मतलब अपना मंजिल तक भी नहीं पाया तो इसलिए दोस्तों जिंदगी भी बनाना है तो अगर आपको जो बड़ा सोच है जो सपना बड़ा देखे हैं दोस्तों कामयाबी का सपना होगी ना अगर कामयाबी बनना है तो आपको एक ऑप्शन रखना पड़ेगा क्या रखना पड़ेगा आपको एक ऑप्शन रखना पड़ेगा होगी ना जो भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उसी इंडस्ट्री में आपको ऑप्शन एक लेकर चलना पड़ेगा मैं पहले बोला दोस्तों एक जगह में गड्ढा खोलेंगे तो जरूर पानी निकलेगा अगर 10 जगह में 10 फुट का गड्ढा खोलेंगे तो पानी नहीं पाओगे दोस्तों उस गड्ढा का मतलब हो गया दोस्तों आपका मेहनत पानी का मतलब है आपका मंजिल मंजिल तक पहुंचना है तो 100 फुट तक गड्ढा खोलना पड़ेगा दोस्तों जानते हैं दोस्तों जितना इसके बोल को दोस्तों जितना नीचे तेज से मारेंगे उतना नीचे ऊपर जाएगा है कि नहीं yes, आप जितना नीचे जाओगे उतना नीचे आप ऊपर जाओगे दोस्तों समझ गए yes, आपको क्या रखना पड़ेगा ऑप्शन एक रखना पड़ेगा क्या रखना पड़ेगा ऑप्शन एक रखना पड़ेगा समझ आ रहा है ना आपको ऑप्शन एक है ऑप्शन एक है उस दिन बाने का अलग हो जाएगा है कि नहीं उस दिन के बाद आपका ऑप्शन जाएगा है कि नहीं आपको मैं देखूंगा कितना दिन कौन रुकता है ऑप्शन देखे ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े अगर दोस्तों ऑप्शन आप एक रखे है समझ गए अगर आप ऑप्शन एक रखे ऑप्शन अगर रखे का जो काम करते हैं इस भी इंडस्ट्री में इस गलियों बिजनेस में अगर काम करते हैं गलियों बिजनेस को अगर विश्वास नहीं रहेगा क्या लगता है बन सकते हैं आप विश्वास एक विश्वास क्या होता है विश्वास एक विश्वास होता है ऐसा ना क्या होता है विश्वास जिसको बोलते हैं भरोसा
बिलीव सिस्टम, क्या होता है बिलीव सिस्टम। चलिए अगर आपके पास अगर बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं लगता है, विश्वास हम किससे कहते हैं भाई बता पाएंगे? विश्वास क्या है भाई बता पाएंगे? बताइए सर, विश्वास एक ऐसी चीज जब कोई भी दुकान में बाजार नहीं मिलता है, खुद का होता है खुद से निकलता वाणी को विश्वास करते हैं, खुद का अंतर आत्मा से निकलता हुआ वाणी को विश्वास करते हैं, ऊपर जैसा ले होता है। तो विश्वास उसका कहाँ पर मिलता है? विश्वास कहाँ पर मिलता है? मिलता है किसी दुकान में जाकर एक किलो विश्वास निकाल लाएंगे? तो विश्वास ऐसा नहीं होता है, विश्वास जो खुद का अंतर से निकलता है ऐसा ना, विश्वास जो दोस्तों खुद का अंतर से जो निकलता है वह आपका विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास होता है, वही आपका विश्वास होता है दोस्तों। अगर जिस जगह में अगर विश्वास नहीं है दोस्तों, खुद का ऊपर पहले विश्वास नहीं है, किसी भी जगह में कामे भी नहीं बन सकते। पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या चाहिए? पहले सेल्फ खुद का ऊपर पहले विश्वास होना चाहिए, अगर मैं बन सकता हूँ ये आपका विश्वास होना चाहिए। अगर जो मैं सपना देखा वही सपना को मैं साकार कर सकता हूँ, आपका विश्वास पहले खुद का ऊपर विश्वास होना चाहिए। फिर दोस्तों खुद का पैर से खुद उठेगा, कोई आपका नहीं उठाएगा, ऐसा ना, खुद का पैर से खुद उठेगा, आपको उठाने वाला कोई नहीं है, खुद है, इसलिए दोस्तों पहले खुद का ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले खुद का ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास क्या, आपको छोटा सा स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा विश्वास क्या, ठीक है? सुनना चाहते हो? चलो दोस्तों, एक राज्य था, क्या था? एक राज्य था, समझ गए? एक राज्य था दोस्तों, उसमें एक राजा शासन कर रहा था, है कि नहीं? जब दोस्तों राजा जो शासन कर रहा था दोस्तों, उसका एक नया माहौल तैयार हुआ था, ठीक है? जब नया माहौल तैयार हुआ था दोस्तों, और क्या कर रहे दोस्तों, जो नया माहौल को उद्घाटन करना, क्या है? नया मॉल का उद्घाटन करना, ठीक है? जब नया मॉल का उद्घाटन करना है, ऐसा बोल रहे, जब मंत्रिमंडल अपना जो गांव का लोग है, अपना जो देश का लोग है कि नहीं, उनको कुछ पर्सनली बुला दे, ठीक है? बुला देने वाले उनको बातचीत किया, क्या किया? बातचीत किया, समझ गए? जब बातचीत करने के बाद वो बोला कि अपना देश में ऐसा कौन सा ऐसा पुजारी है उसको बुलाओ, ऐसा कौन सा ब्राह्मण है उसको बुलाओ, अच्छे से उद्घाटन कर सके, समझे? जो कि मेरा जो उद्घाटन मेरा जो सिंहासन है अच्छा से उद्घाटन हो सकता है, अच्छा पूरा फेमस हो सकता है कि नहीं? ऐसा बोलने के बाद दोस्तों वो लोग अपना अपना एक ब्राह्मण ढूंढने के लिए चला गया हर देश में, ठीक है? तो देखिए कि जो जो जिस जगह में वो माहौल तैयार किया था उसका बगल वाले गाँव में अच्छे से ब्राह्मण जो कि आश्रम बना के रहता है, ठीक है? लेकिन उस गांव में जाने से पहले एक जंगल पड़ता है, क्या पड़ता है? उस गांव में जाने से पहले एक जंगल पड़ता है, समझ गए? उस जंगल पड़ता है, सब जंगल देख उसका गांव में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो उस जो सैन्य था है कि नहीं, उसका सेना बाहरी था, उनके कानों में पहुंच के इस गाँव में अच्छे से ब्राह्मण रहता है जो की आश्रम बना के रहता है, हम उनको जाएंगे बोलेंगे आके सिंहासन को उद्घाटन करते, ठीक है? तो दोस्तों उनका गांव में चला गया इस जंगल को देख, ठीक है? उस जंगल को देख कर चला गया, चला जाने के बाद दोस्तों जब दोस्तों उनका आश्रम में घुस रहे थे, उनका गांव में तीन तो चोर थे, कौन थे? उनका गांव में तीन तो चोर थे, समझ आ रहा है? जब तो तीन तो जब चोर थे, वो चोर देख लिए, चोर का काम क्या होता है? किसी को शक करना, क्या होता है? चर का काम है किसी को शक करना, समझ गए? और दोस्तों राजा का जो सेना लोग चला गया उसका आश्रम के अंदर, तो सेना लोग देख, जो चोर लोग देख लिए कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि नहीं, दाल में कुछ काला है, समझ गए? तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं काला क्या है, दाल में क्या काला है, देखते है कि नहीं? तो जब सेना लोग अंदर घुसे और पुजारी जी को बोले, जो ब्राह्मण जी को बोले कि कल सुबह आना है, राजा जी का सिंहासन को उद्घाटन करना है, ठीक है? राजा का जो बाल को कोई लंघन करता है क्या? लंघन करेगा तो सर अलग हो जाएगा, है कि नहीं? गर्दन अलग हो जाएगा, है कि नहीं? पहले जो चलता था, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से उनका संदेश दे दिया, संदेश देने के बाद चला आया, ठीक है? जब चला जाने के बाद दोस्तों उन लोग दोस्तों देखिए, ठीक है, क्या होता है देखेंगे, ठीक है? कल सुबह हुआ, सुबह आने के बाद जो ब्राह्मण जो अपना नित्य कर्म छोड़ सब जब खत्म करके सुबह सुबह निकल पड़ा कहाँ पर? राजा सिंहासन का उद्घाटन करने के लिए, ठीक है? जब दोस्तों राजा सिंहासन का उद्घाटन करने के लिए चला गया, वो जो तानामय जो चल रहा था ना दोस्तों, मेरे दोस्त
तीनों जो चोर दिख रहे थे, है कि नहीं? जो चोर दिख रहे थे दोस्तों, उन लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, उनका पीछे पीछे फॉलो किए, क्या किए? फॉलो किए, उनका पीछे लगे, ठीक है? ब्राह्मण जी पहले चल रहा था, उनके पीछे तीन का चोर चल रहा था, ठीक है? जब जंगल देके जाना पड़ रहा, जब जंगल देके चला गया ब्राह्मण जी, जाके दोस्तों पूजा किए, ठीक है? कहाँ पर पूजा किए? राजा सिंहासन को उद्घाटन करने के लिए चले गए, जब वहां पर जब पूजा किए दोस्तों, पूजा करने के बाद राजा ने उस पूजा को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत आनंद हुआ, ठीक है? आनंद होने के बाद दोस्तों उनको एक बकरी दे दिया, क्या दिए? बकरी दे दिया, समझ गए? जब बकरी देने के बाद दोस्तों वो ब्राह्मण जी बहुत खुश हो गया, ठीक है? जो खाना पीना खा के दोस्तों ब्राह्मण जी निकल पड़े अपना आगमन किया अपने घर में, ठीक है? जब आ रहे दोस्तों चोर लोग देख लिए उनका बकरी है उनका कांधे में, ठीक है? चला गए दोस्तों जंगल का अंदर, ठीक है? इनको तीन का चोर चला गया जंगल का अंदर, जंगल का अंदर हम लोग प्लानिंग किया, क्या किया? प्लानिंग क्या दोस्तों, कुछ भी काम करो दोस्तों पहले प्लानिंग का जरूरत होता है कि नहीं? कुछ भी करो दोस्तों, है कि नहीं? जिस भी जगह में काम करो, जिस भी जगह में काम करो पहले आपको प्लानिंग तो जरूरत होता है कि नहीं? उसी प्रकार जो चोर थे, है कि नहीं? जो चोर थे प्लानिंग कर दिए किस तरीका से हम इस बकरी को हड़प कर सकते है कि नहीं? प्लानिंग करने के बाद दोस्तों वही जो तीन तो चोर थे वो जंगल का बीच में तीन लोग क्या किए? तीन जगह में रुक दिए, ठीक है? जब दोस्तों तीन जगह में रुक दिए जो ब्राह्मण आ गया, ठीक है? जब ब्राह्मण आ जाने के बाद क्या दोस्तों जंगल के अंदर घुसे, कुछ देर चलने के बाद क्या हुआ? कुछ देर चलने के बाद दोस्तों जो पहला था जो चोर, ठीक है? तो पहला था जो चोर और निकल पड़े जाके पेड़ को तो प्रणाम कर रहा, ठीक है? जानते हैं दोस्तों बोलते भक्ति भक्ति चोरों का लक्षण ऐसा ना बोलते है ना, उसी प्रकार से दोस्तों वो अपना पैरों में जाके गिर गया, ठीक है? ये पूजा जी प्रणाम आप कहा दिए थे, ठीक है? बोला मैं राजा सिंहासन का उद्घाटन करने के लिए गया था, ठीक है? राजा ने मुझे बुलाया था, ठीक है? ठीक है, आप राजा ने तो बुलाए थे, आपको कांधे में क्या पकड़े? बोला मैं बकरी पकड़ा हूँ। कौन? ब्राह्मण जी। बोला मैं बकरी पकड़ा हूँ, ठीक है? ऐसा बोलने के बाद दोस्तों वो थोड़ा मुस्कुरा, ठीक है? जो चोर था उधर हंस के बोला ब्राह्मण जी आपको कौन बोला बकरी दी, ठीक है? आपको कौन बोला ये बकरी दी, ठीक है? ये तो बकरी नहीं है, ये तो गधा है। क्या है? ये तो गधा है, ठीक है? बोला गधा दे दिया है मुझे, ठीक है? नहीं, मैं खुद का आंखों से देखा था, मुझे जो राजा जी था मुझे बकरी दिए थे, तू कैसे गधा बोल रहा है, ठीक है? बोला ठीक है आप लेकर चलो, लेकिन इतना बड़ा ब्राह्मण होगी, इतना बड़ा फेमस ब्राह्मण होगी, लोग आपको इतना पूजा करते इतना मानते हैं, अगर आप गधा को लेकर जाएंगे अपना घर पर गाँव का लोग देखेंगे तो आपको क्या बोलेंगे लोग, ऐसा ना समझे? उसको थोड़ा घबरा दिया, थोड़ा डरा दिया, डरा जाने के बाद दोस्तों वो भी निकल पड़ा, ठीक है? उसका बात तो सुनकर दोस्तों वो जो राजा था वो निकल पड़ा, ठीक है? जब निकल पड़ा कुछ देर चलने के बाद फिर से और चोर निकल पड़ा, ठीक है? फिर से चोर निकल पड़ा दोस्तों, वो भी देखो पैर को देखो प्रणाम कर रहा है, ठीक है? पूजा जी आप कहाँ गए थे, ठीक है? और फिर सेम चीज बोला मैं पूजा में राजा सिंहासन को उद्घाटन करने के लिए गया था, ठीक है? और बोला कांधे में आप क्या पकड़े, इतना बड़ा पुजारी हो गया, इतना बड़ा ब्राह्मण हो गया, है कि नहीं? और बोला मैं बकरी पकड़ा हूँ, ठीक है? क्या मैं बकरी पकड़ा, ठीक है? और बोला नहीं ये तो बकरी नहीं है, ठीक है? तो बकरी तो आपको क्या है? बोला कुत्ता है। क्या बोला? वो बोला कुत्ता है, ठीक है? अच्छा घबरा क्या, पहला आंसर बोला गधा, अभी कुत्ता बोल रहा है, ठीक है? तो घबरा गया, ठीक है? लेकिन फिर से वही राजा उनको बोले नहीं मैं खुद का आंखों से देखा था, राजा ने फिर मुझे बकरी नहीं दिए, मैं बकरी लेके जा रहा, ठीक है? और बोला ठीक है आप लेके जाइए, लेकिन गांव का लोग देखे आपको क्या बोलेंगे, इतना बड़ा ब्राह्मण हो के, ऐसा ना? इतना बड़ा ब्राह्मण होकर गाँव का लोग देखे आपका तो सम्मान करेगा, आपको जो पूजा करने के लिए बुला देते, आपको कोई पूजा करने के लिए नहीं बुलाएंगे, आपका जो हो रहा है उसमें जो खाना पीना हो रहा है वो भी नहीं पाएंगे, आपको अच्छा के लिए बोल रहे हैं आप तो खराब सोच रहे हैं, चलिए आप जाइए, ठीक है? लेकिन उनका बात को ना सुनकर थोड़ा घबरा के चला गया, ठीक है? जब जा रहा था सोचते सोचते जा रहा था, पहला आंसर बोला गधा, दूसरा आंसर बोला कुत्ता, और कोई तो भूत भूत तो नहीं है, इसलिए बार बार रूप चेंज कर रहा है, समझे? कि बार बार जो रूप चेंज कर रहा है, समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा सोचने के बाद दोस्तों कुछ देर जाने के बाद फिर से वो चोर निकल पड़ा, ठीक है? फिर से एक चोर निकल पड़ा, निकल जाने के बाद दोस्तों वो भी जगह प्रणाम, जो पैर को जगह प्रणाम कर रहा है, ठीक है? इसकी पूजा जी प्रणाम आप कहा गए थे, वो भी सेम समय ज्यादा मैं राजा सिंहासन को उद्घाटन करने गया था, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? घबरा के बोल रहा है, ठीक है? पहले घबरा हुआ था कि पहला आंसर बोला था गधा,
अभी कुत्ता बोल रहा है वो सोच रहा है अभी ये क्या बोलेगा, ठीक है yes, लेकिन मन में भी डर है तो कोई भूत तो नहीं है, ठीक है। जिससे वही सेम सिचुएशन आया और चोर ने बोला तो कांधे में आप ऐसा किए इस गधा को क्यों पकड़े, ठीक है yes, इस गधा को क्यों पकड़े, ठीक है yes, वो बोला आपको ये गधा दिख रहा है, ठीक है yes, रहा है तो गधा है, ठीक है yes, लेकिन ब्राह्मण भी देख रहा था ये बकरी है बोल रहे, ठीक है yes, लेकिन ब्राह्मण ने दिमाग में आया नहीं मुझे ये बकरी दिख रहा है सबको गधा है, ये रूप चेंज कर रहा है, ठीक है yes, ऐसा सोचने मतलब जो बकरी था ना दोस्तों गधा समझ के फेंक दिया, ठीक है गधा समझ के तो भूत समझ के फेंक दिया कि बार बार रूप चेंज कर रहा है, ठीक है जो रूप चेंज कर बड़ा चला गया, ठीक है लेकिन वो क्या गधा था, कुत्ता था, वो क्या था बकरी था, लेकिन वो जो देखा था खुद का आंखों से देखा था कि मुझे राधा जी बकरी दे है लेकिन खुद का आंखों का विश्वास नहीं, किसी का बात को सुनकर दोस्तों बकरी को भी अपना घर पर नहीं ले जा पाया, कौन ले गया चिंता झून, ऐसा ना इसलिए बोला जो तो विश्वास ना तो पहले खुद का पर विश्वास रखो जिसको होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या होते हैं पहले आपको दोस्तों खुद का ऊपर विश्वास रखो तभी जाके लाइफ में कुछ बन पाओगे दोस्तों, जगह में अगर काम करते इस गलवे बिजनेस में अगर काम करते अगर आप खुद का ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं बन सकता हूँ तो किसी दूसरे को भी बना नहीं पाऊंगे, समझने पहले आपको विश्वास मैं पहले तो मल्टीप्लिकेशन का बहुत पावर होता है और मल्टीप्लिकेशन काम करते हैं तो पहले आपको जोर दोस्तों खुद का ऊपर पहले विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास आपका नहीं है तो इस तरह से हो जाएगा जिस तरह से ब्राह्मण हो गया, है कि नहीं yes, खुद का साथ खुद का बकरी भी नहीं ले पाया खुद का बात को सुनकर, है कि नहीं yes, तो अगर कोई इंसान आपको बोलता है तो कर नहीं पाएगा कामयाब नहीं बन जाएगा, है कि नहीं तो आपको किसका बात को नहीं सुनना खुद का ऊपर मैं सुनो, क्योंकि जो आप करते हो तो कोई नहीं कर पाता है कि नहीं yes, जो आप करते हो कोई नहीं पाता जो आप है वो कोई नहीं है दोस्तों, आप खुद का ऊपर मेरे विश्वास करना पड़ेगा, समझे ना समझा ना विश्वास क्या समझ पाए समझ पाए ना सफलता का पहला कदम क्या है सोच, सोच आपको कैसा रख रहा है बड़ा सोच है आपका, बड़ा सोच तो आपका हो गया तो जो बड़ा सा सपना जो बड़ा सा सोच देखे बड़ा सा सपना देखे उसको पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए इच्छा है प्रबल इच्छा चाहिए, समझे अगर आपका प्रबल इच्छा है उसके बाद हमको क्या चाहिए लेवरेज इनकम, समझे ना यस सर, जो सपना बड़ा सोच देखिए जो इच्छा है आपका उसको पूरा करने के लिए आपको इनकम करना चाहिए, क्या चाहिए इनकम, जो कि आपको लेवरेज इनकम करना है, क्या करना है लेवरेज इनकम करना है, लेवरेज इनकम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बजट की तरह काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बजट की तरह काम करना पड़ेगा, समझे ना बजट क्या काम करता है अपना टीम बना के काम करता है अपना एक नेटवर्क एंड मल्टीप्लीकेशन करके काम करता है, ठीक है अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो जिस जगह में मल्टीप्लीकेशन काम करते हो उस जगह आपको क्या रखना पड़ेगा ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा ऑप्शन एक रखना पड़ेगा, अगर दो ऑप्शन रखेंगे तो बीच में रुक जाओगे किसी भी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा, जिस तरीके से दो नामे पार रखेंगे तो कभी भी मंजिल में नहीं पहुंच पाओगे उसी तरह से दो ऑप्शन रखेंगे तो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं बन पाएंगे, ऑप्शन कैसा रखना पड़ेगा ऑप्शन तो रखे है काम करते हैं अगर विश्वास नहीं है क्या लगता है हो पाएगा तो आप पहले विश्वास होना चाहिए, क्या चाहिए विश्वास होना चाहिए, ठीक है आपका खुद का ऊपर विश्वास है बन पाएंगे, बनने के लिए थोड़ा सा टाइम है, सक्सेस बनना दोस्तों इतना आसान बात नहीं है, सक्सेस बनने के लिए जो जो आज के डेट में सक्सेस पर्सन को देख लो अपना अपना जिंदगी में कुछ इतिहास रच के गए हैं दोस्तों, जो भी सक्सेस जिंदगी में कुछ इतिहास है अपना जिंदगी में कुछ किए है बल्कि सक्सेस बन गए हैं दोस्तों, है कि नहीं चाहे विराट कोहली हो चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो चाहे सचिन तेंदुलकर हो चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे मुकेश अंबानी हो सारे लोग अपना इतिहास रचे,
क्योंकि सक्सेसफुल मैन है कि नहीं। और सक्सेस बनने के लिए बीच में आपको दिक्कत परेशानी होना चाहिए, है कि नहीं। yes, आपको सक्सेस क्या है एक अच्छा सा स्टोरी के माध्यम से समझाओगे सक्सेस क्या होता है, ठीक है। बनना चाहते हो, सक्सेस बनना चाहते हो, जिंदगी में सफल इंसान बनना चाहते हो, आपको एक चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जानते हैं? जानते हो क्या करना पड़ेगा? नहीं जानते हो? आपको समझाऊंगा एक सक्सेस क्या होता है, ठीक है। चलिए, एक गुरु आसन था, क्या था? गुरु आसन। एक गुरु आसन था, समझे ने? यस सर। एक गुरु आसन था दोस्तों, उसी गुरु आसन में दोस्तों एक गुरु रहते, बहुत सारे शिष्य रहते, ठीक है। लेकिन वो गुरु क्या करता था, हर दिन एक चीज को सिखा रहा, ठीक है। हर दिन दोस्तों एक ही चीज को सिखा रहा था, समझे ने? जब दोस्तों एक हर दिन एक ही चीज को सिखा रहा था, उसको सिख सिखा एक बच्चा बोर, ठीक है। और अगर हर दिन जो गुरु बोल रहा है, सिखा रहा है और बोल रहा है सक्सेस बनना है, जिंदगी में कोई सफल इंसान बनना है, इतिहास रचना है कि नहीं, यही बातें सिखा रहा था, ठीक है। सिखा रहा, ठीक है। तो एक चीज को यही सिखा रहा था दोस्तों, उसमें बोली वो दोस्तों गुरु जी को आकर बोले, गुरु जी आप तो हर दिन बोलते जिंदगी में कामयाबी बनना है, गुरु जी जिंदगी में कुछ सक्सेसफुल बनना है, खुद का इतिहास रचना है, तो आप बताए सक्सेस क्या होता है, ठीक है। हर दिन बोलते सक्सेस 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 का बोलते सक्सेस बनना है, तो आप बताए सक्सेस क्या होता है, ठीक है। तो गुरु जी ने ठीक है आपको बताऊंगा, कल सुबह होने तो हमको बताऊंगा, ठीक है। कल सुबह होने तो हम आपको बताएंगे सक्सेस क्या होता है, ठीक है। ऐसा बोलने के बाद दोस्तों कल सुबह हुआ, गुरु जी सुबह सुबह उठकर दोस्तों तालाब में जाते हैं नहाने के लिए, आपका एक नदी है, नदी में जाते हैं नहाने के लिए, ठीक है। जब दोस्तों याद आया, एक शिष्य ने मुझे पूछा था सक्सेस क्या है, ठीक है। तो उस शिष्य को भी बुला दिया, चलो हम नहाने के लिए चलते, ठीक है। तो शिष्य जो इंसान जो क्वेश्चन जो शिष्य का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसको भी लेके गए दोस्तों नहाने के लिए, ठीक है, तालाब में, समझ गए ने। जब तालाब में जो नदी में गए दोस्तों, नदी में जाने के बाद दोस्तों बहुत गड्ढा था पानी, ठीक है, पानी का अंदर घुस रहे, ठीक है, शिष्य और गुरु जी घुसे नहाने के लिए, ठीक है। जब नहाने का जब डुबकी लगाते है कि नहीं, जब नहाने का जब डुबकी लगाते हैं, जब डुबकी लगाते हैं दोस्तों, लेकिन जो शिष्य था वो डुबकी लगाते हैं, गुरु जी ने क्या उसका सिर को देखकर नीचे, ठीक है, उनका सिर को दोस्तों पकड़ के नीचे दाब लिया, ठीक है। जब नीचे जब फेंक जो पानी के अंदर जब कोई इंसान रहेगा उसका सांस अटक जाएगा, सांस नहीं बहेगा क्या? सांस नहीं बहेगा, चटपट होगा, है कि नहीं। उसी तरह दोस्तों जब गुरु जी ने उसका शिष्य को दोस्तों नीचे डुबा दिया, वो सांस नहीं ले पा रहा था, ठीक है, चटपट रहता है, ऐसा डुबा दोस्तों कुछ देर बाद अपना जो शरीर था वो दोस्तों पीला होने लगा, ठीक है, वो पीला होने लगा दोस्तों और नहीं सह पा रहा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बहुत दिक्कत परेशान से गुरु को दोस्तों ठेकल दिया, ठीक है, गुरु को ठेकल दिया दोस्तों और निकल पड़ा, ठीक है। गुरु जी ने बहुत हट्टा कट्टा था, ठीक है, गुरु जी बहुत हट्टा कट्टा था, लेकिन शिष्य पतला सा था, लेकिन उसको भी फेंक दिया, ठीक है, फेंक कर दोस्तों बहुत दिक्कत परेशानी के बाद किनारे तक पहुंच गया, ठीक है। जब किनारे तक पहुंच गया, पहुंच जाने के बाद बहुत तेज से निश्वास लिया, ठीक है, क्योंकि निश्वास नहीं था उसका अंदर, ठीक है, उसका अंदर निश्वास प्रश्वास लेने के शक्ति नहीं था। उसको जाने के बाद बहुत तेज से निश्वास लिया, निश्वास लेने के बाद दोस्तों गुरु जी के बोले कि गुरु जी मैं आपको तो एक चीज बोला था कि सक्सेस क्या होता है, आप तो मुझे मार दे रहे, ठीक है, आप तो मुझे मार दे रहे थे, ठीक है। गुरु जी ने ऊपर आके बोला कि शिष्य मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, सक्सेस बनना है, जब मैं आपको पानी में डुबाया था तो क्या आप सोच रहे थे घर में क्या हो रहा है? बोला नहीं। आप क्या सोच रहे थे मुझे जाकर क्या खाना है? बोला नहीं। क्या आप सोच रहे थे आप फिल्म देखना है? बोला नहीं। आप क्या सोच रहे थे? वो बोला मैं यही सोच रहा था कि मेरा अंदर एक सांस आ जाए, मैं जैसे भी करके आपके बचकर बाहर निकलूं, मेरा अंदर एक सांस आ जाए, मुझे जैसे भी करके मैं बाहर निकलूं, बच सकूं आपसे, ठीक है, ये मेरा सोच में था, इसलिए बाहर निकल गया, ठीक है। वही है दोस्तों सक्सेस। दोस्तों सक्सेस बनना है दोस्तों, पहले आपको एक मकसद देखना पड़ेगा। अगर सक्सेस बनते हैं ना दोस्तों, आपको घर का बारे में सोचेंगे, कहाँ पर क्या खाना हो रहा है सोचेंगे, थोड़ा गर्लफ्रेंड के बारे में सोचेंगे, थोड़ा बॉयफ्रेंड के बारे में सोचेंगे, कभी भी नहीं बन सकते दोस्तों। बनना है तो सक्सेस पहले एक ही मकसद को रखना पड़ेगा, समझ आ रहा है? समझ आ रहा ना? आपको एक क्या खाना है क्या पीना है वो सब देखेंगे तो कभी भी मंजिल नहीं हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर बनना है तो सक्सेस पहले आपको
एक ही मकसद रखना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। हां भाई ना? यस सर। विश्वास क्या समझ पाए? यस सर। विश्वास से आपका? यस सर। कर पाएंगे? यस सर। अगर आपका अगर विश्वास से अगर आप विश्वास के अंदर आप काम करते हैं, लेकिन अगर बात काम करते हैं अगर लगातार प्रयास नहीं करें क्या बन पाएंगे? जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, ऐसा ना? यस सर। क्या है लॉ ऑफ एवरेज? लॉ ऑफ एवरेज यानी लगातार प्रयास। क्या है? लगातार प्रयास, लगातार प्रयास करना चाहिए। दोस्तों आप अगर बड़ा सोच देखिए, बड़ा सा सपना देखिए, उसको पूरा करने के लिए प्रबल इच्छा है आपका, प्रबल इच्छा के साथ आप इनकम का रास्ता दिखा है जो लेवरेज इनकम हमको करना है। लेवरेज इनकम करने के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन में करते हैं तो मैंने ऑप्शन एक करके चलते हैं। विश्वास से आपके पास, विश्वास के साथ अगर लगातार प्रयास नहीं करोगे क्या लगता है बन पाएंगे? तो लगातार प्रयास एक ऐसा प्रोसेस है ना मेरे दोस्त, और कोई भी इंसान को कामयाबी बनाता है, किसी भी इंसान को कामयाबी बनाता है। समझे ने? जो लगातार प्रयास एक औसत का नियम ऐसा है दोस्तों, किसी भी इंसान को कामयाबी बनाता है। जब आप छोटे से मेरे दोस्त जब छोटा सा समय जब चलते फिर रहते है कि नहीं, तो छोटा जब बच्चा को आप दिखे होंगे, जब छोटा बच्चा जब चलता है दोस्तों पहला पहला नहीं चल पाता है, उड़ता है पटकता है, उड़ता है नीचे गिर जाता है कि नहीं, उसका आंटू में दर्द होता है कि नहीं, खून निकलता है कि नहीं, फिर भी वो चलने के लिए प्रयास करता है, फिर भी है कि नहीं, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता है। क्या बोलता है? कभी हार नहीं मानता है, और नीचे गिरता है लेकिन उसका ताकत है मुझे उसको उठना है कि नहीं, मुझे चलना है। समझे ने? समझे ने? इसलिए दोस्तों आज कल में दोस्तों आप चलते हैं, आप भी जब छोटा से दोस्तों और भी जब छोटा समझ से चलते चलते थे गिरते थे, चलते थे गिरते थे कि नहीं, चल पाया नहीं, किसका बदलो? लगातार प्रयास की बदलो, ऐसा ना? किसका बदलो? लगातार प्रयास की बदलो। समझ पाए कि नहीं? जब दोस्तों आप सब साइकिल चलाना सीखते थे है कि नहीं, जब एक बार में सीख लिए, एक बार में सीख ले, जब साइकिल चला रहे दोस्तों तो साइकिल का तो बीच में उसको पैर घुस जाते हैं कि नहीं, उसमें चलाते हैं, उसके बाद ऊपर चढ़ के बैठते हैं, नीचे गिरते थे, क्या क्या नहीं होता है कि नहीं, फिर से दोस्तों आप दोस्तों हाथ छोड़ के भी चलाते हैं है कि नहीं, जब बाइक चलाते हैं जो क्लच पकड़ते हैं फटाक छोड़ जाते हैं कि नहीं, गाड़ी बंद हो जाता है कि नहीं, धीरे 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 काम हो जाता है कि नहीं, लगातार प्रयास है, एक्स्ट्रा प्रोसेस है मेरे दोस्त। जो इंसान वो लगातार प्रयास को अपना लिया ना दोस्तों, कोई भी ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है आपको जिंदगी में सक्सेस होने के रोक सकता है, समझे ने? आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लगातार प्रयास करना पड़ेगा। समझ मारा ना? लगातार प्रयास करेगा ठीक है, उसके बाद उसका टारगेट क्या होता है? टारगेट, टारगेट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टारगेट, एक टारगेट बनाना पड़ेगा। टारगेट क्या होता है? एक मकसद। क्या होता है? मकसद, एक मकसद, एक गोल बनाना पड़ेगा। क्या बनेगा? गोल। अगर दोस्तों गोल बनाते हैं, टारगेट गोल जो बनाए पर टारगेट बना के अगर काम नहीं करेगा क्या कभी भी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको टारगेट, मान लो आपका गोल है ठीक है, मान लो आपका गोल है ठीक है, आप अगर गोल बना के तीर मार के या तीर मार के गोल बना गोल बना के तीर मार के देखिए, तीर मारता है मेरे दोस्त पहले आपको गोल को देख के मारता है देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा? गोल बनाना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। सुन मारा है? सुन मारा है? तो इसलिए दोस्तों पहले आपको गोल बनाओ। क्या बना? गोल। जो भी आप जो सपना देखे दोस्तों उसको पाने के लिए आपको पहले सपना को बनाना पड़ेगा, उसके बाद टारगेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टारगेट बनाना पड़ेगा। समझा कि नहीं? टारगेट बना के गोल मारो दोस्तों, तभी जाके आपका जो तीर है सही दिशा में लगेगा ठीक है। समझ रहा है ना? आपका जो बड़ा सोच है आपका पाएंगे, बड़ा सोच, बड़ा सोच है, बड़ा सोच पाने का आपको प्रबल इच्छा होगा, बना पाएंगे, प्रबल इच्छा है आपके पास, लेवरेज इनकम करेंगे, करेंगे लेवरेज इनकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा?
टीम बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? और मल्टीप्लिकेशन का आपको एक स्टोरी बता दिया, चेस का स्टोरी, है कि नहीं? जो कि चेस का डब्बा है ना दोस्तों, फुल हो गया, लेकिन राजा का जो धन संपत्ति तो भी शेष हो जाएगा, लेकिन वो चेस वाला ले जाएगा, है कि नहीं? चेस का मल्टीप्लिकेशन पावर है कि नहीं? कर पाएंगे? आपका ऑप्शन नहीं रखेंगे, ऑप्शन ए एग्जाम में गड्ढा खोलेगा, दोस्त जगह में दोस्त जगह गड्ढा करेंगे, एग्जाम में गड्ढा खोलेंगे, खोलेंगे तो क्या आया? खुद का ऊपर विश्वास करेंगे लगातार प्रयास का टारगेट बनाएंगे। ये सारे कुछ दोस्तों जो सफल बनना चाहता ना मेरे दोस्त, अगर वही सारे कुछ जो सात चीज मैंने बोला चार का पॉइंट में समझाया अगर जिंदगी में लागू कर दोगे जरूर दोस्तों आपकी कामयाबी बन सकते हैं। जिंदगी में जो जो इंसान भी कामयाबी बने सक्सेस बने दोस्तों इन सात चीजों को अपनाए, इन सात चीजों को अपनाए जिसका बदलो अपना जिंदगी में कुछ कर पाए। जिंदगी में आपको भी कुछ करना है तो पहले सात चीजों को अपना समझ कर जिंदगी में लागू करो, समझे ना? सात चीजों को अपना जिंदगी में लागू करो तभी जाके जिंदगी में जो सपना आप दिखे जो बड़ा सोच है आपका बस सारे कुछ आप फुलफिल कर पाएंगे। समझा ना? चले होगा दोस्तों, आज हो गया कितना तारीख? सात तारीख, आठ तारीख, आज हो गया आठ तारीख दोस्तों। कितना दिन बचे आपके पास? कितना दिन? 20 दिन, है कि नहीं? 20 दिन बचा है दोस्तों। अगर 20 दिन का अंदर ऐसा कुछ कर दो ना मेरे दोस्त, ऐसा कुछ मंजिल में पहुंच जाओ क्या अपना अपना स्टार लग जाएगा, है कि नहीं? ऑफर छोड़ा है दोस्तों, जो पीडी बनेगा उसके लिए स्टार है, ईडी बनेगा उसके लिए स्टार है, जो टाइम लिमिट खत्म हो गया है उसके लिए स्टार का ऑफर है कि नहीं? आपका ऊपर स्टार का ऊपर उठाओ और थाईलैंड ट्रिप में गया, ठीक है? सबका सपना दोस्तों विदेश जाने का, है कि नहीं? सबका सपना दोस्तों विदेश जाने का, विदेश जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा, थाईलैंड जाऊंगा, है कि नहीं? तो सारे कुछ सपना तभी पूरा हो सकता है जब अभी मेहनत करें, ठीक है? तो यार दोस्तों आपके पास इतना बड़ा ऑफर है, थाईलैंड ट्रिप जाने का ऑफर है, स्टार बनने का ऑफर है, तो अभी से लग के काम कीजिए, समझे? अभी से लग के काम कीजिए, अपने टीम में काम कीजिए, खुद का ऊपर विश्वास करके काम कीजिए, तो जोर दोस्तों 28 तारीख तक आपका प्रमोशन का बातचीत कर पाएंगे, ठीक है? आशा करूं आपका होगा, होगा जरूर दोस्तों आपका होगा, लेकिन पहले आपको होना चाहिए, ठीक है? कर पाएंगे? कर पाएंगे? दोस्तों इतना था मेरा सेक्शन लॉ ऑफ एवरेज, समझ पाए ना सारी कुछ? हर चीज आप जिंदगी में लागू करेंगे, तो करेंगे, चलिए होगा दोस्तों, ज्यादा टाइम भी हो गया है, ठीक है? और आपके साथ बातचीत भी होगा, एक छोटा सा शायरी के माध्यम से इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है? कंपनी के बारे में शायरी सुनना चाहते हो? यस सर। सुनना चाहते हो? यस सर। आप कौन सा कंपनी में काम करते हो? यस सर। उसी कंपनी के बारे में एक शायरी से छोटा सा शायरी बताओ, ठीक है? यस सर। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। अगर होती इस ग्लेस का रहा इतने आसान तो इनमें इतनी मेहनत की क्या जरूरत होती? अगर होती इस ग्लेस का रहा इतने आसान तो इनमें इतनी मेहनत की क्या जरूरत होती? अगर शायद समझ ही जाती सारा दुनिया इस ग्लेस कंपनी को, शायद चैतन्य दास सर के हाउ टू अप्रोच की जरूरत ना हो। तो दोस्तों इतना बोल के मैं अपना वाणी को खत्म करता हूं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय गेंद्र।